शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये शहर लोगों को कंफ्यूज बहुत करता है, इतना कि ये समझ में नहीं आता कब दिन है और कब रात। फिर भी लोग यहाँ अपनी किस्मत चमकाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। सब बड़े बड़े ख्वाब लेकर आते हैं, कुछ के पूरे होते हैं और कुछ के अधूरे ही रह जाते हैं। एक्चुअली सब कुछ डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स और आपकी बदनीयति पर। नियत पर भाई, मेरा तो यही मानना है, लोगों का मुझे पता नहीं, क्योंकि मम्मी ने ऊपर जाने से पहले बहुत कुछ दिया, लाइक ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पापा ने दो सौतेले भाई। लेकिन मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना तो पापा से और ना ही ऊपर वाले से। जो जहाँ है वहाँ खुश है, और सबसे अलग इस शहर में आकर मैं खुश हूँ। अब लाइफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती ही रहती है। Ladies first. Thanks. You're welcome. Hi, sir. You are 7 minutes late, gentlemen. 7 minutes 18 seconds, sir. वो मेरी घड़ी खराब हो गई थी, सर। जब इंसान का वक्त खराब चल रहा हो तो इंटरव्यू के दिन घड़ी भी खराब हो सकती है। You're right, sir. Sit. Tea? No, thanks, sir.
आई एम सॉरी सॉरी सर थैंक यू भाई, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा जी. बी कॉम, एम ए इन पोलिटिकल साइंस, देन बिजनेस मैनेजमेंट, 7 jobs in 2 years एंड फाइनली जॉबलेस. अपने करियर के साथ ऐसा मजाक वही कर सकता है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक ठाक हो. सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरा रिज्यूमे थोड़ा और गौर से देख लीजिए. मैंने हॉबीज में कहीं ये नहीं लिखा है कि मुझे बेइज्जती करवाने का शौक है. शायद नौकरियां छोड़ने का शौक है. नहीं सर, छोड़ी तो मैंने सिर्फ 3. 2 कंपनीज को तो मैं पसंद ही नहीं आया और छठी में हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं थे. लास्ट वाली में हम दोनों एक दूसरे को पसंद थे लेकिन कंपनी बंद हो गई. जहां नौकरियां छोड़ी वहां टिके रहने का कोई रीजन नहीं नजर आया? शायद नहीं. तो क्या गारंटी है कि तुम यहां भी जॉब छोड़ने का कोई रीजन नहीं ढूंढ लोगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि मैं ही आपको पसंद ना हूं, या हो सकता है हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद ना आए, या फिर आपकी कंपनी बंद. पूजा बता रही थी कि तुम स्टॉक्स वगैरह में भी कुछ करते रहते हो. जी हाँ, अभी भी कर रहा हूं. 2 लाख के लॉस पे हूं. लुक हियर यंग मैन, खुद को स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस से हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी करना पड़ता है. बहुत मेहनत से मैंने अपने इस बिजनेस को यहां तक पहुंचाया है. ग्रासियस 5, वन ऑफ इंडियाज टॉप फाइनेंशियल कंपनीज. 30 साल लगे हैं मुझे टॉप पे पहुंचने में. और आप एक ऐसे इंसान को करियर में कुछ ना करने का ताना मार रहे हैं जिसकी उम्र भी अभी 30 साल नहीं है. तुम तो अगले 30 सालों तक कुछ ना करो तो मुझे कोई परवाह नहीं है. मुझे अगर टेंशन है तो अपनी बेटी की. और आज की मीटिंग के बाद आई कैन से विदाउट हेजिटेशन कि मेरी टेंशन बढ़ गई है. क्या लोगे मेरी बेटी को छोड़ने का? व्हाट सर, इस तरह के मैटर में हर बाप यही लाइन घुमा फिरा के बोलता है, चाहे फिल्म हो या रियल लाइफ. मेन पॉइंट पे आते ना सर. ओके मिस्टर ढल्ला. भल्ला? जी पवन भल्ला. भल्ला ढल्ला ऑल साउंड्स द सेम. तो मेन पॉइंट ये है मिस्टर भल्ला कि 50,000 एक महीने का खर्चा है पूजा का. कार है, घर है, बैंक बैलेंस है सर. माँ भी है. 13 तारीख तक इस शहर में खुद का एक छोटा सा घर बनाकर दिखा दो मुझे. पूजा तुम्हारी. सिर्फ 2 दिन? अगले महीने की 13 तारीख को मिस्टर भल्ला. डेट नोट कर लो. नहीं तो 14 तारीख को लखानी का बेटा आ रहा है यूनाइटेड स्टेट से. 21 की रिटर्निंग है. हफ्ते भर में मंगनी, शादी सब निपटाकर पूजा को उसके साथ फ्लाइट में बिठा दूंगा और फिर तुम्हारा क्या लॉस होगा वो तुम कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे. 1 महीने में अपना घर, वो भी मुंबई जैसे शहर में सर? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? आप कर सकते हैं मिस्टर भल्ला. आई हैव फुल फेथ इन यू. जब आप इतने अच्छे हाजिर जवाब हो सकते हैं, 2 सालों में 7 नौकरियां एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो 1 महीने में छोटा सा घर तो आप बना ही सकते हैं ना. और सुनो, मेरी सलाह है कि इस टास्क को नौकरी समझ के मत करना, वरना मुझे डर है कि 10 दिन में तुम इसे भी छोड़ दोगे. डोंट वरी मिस्टर बदलानी, ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर ये आपका डर है तो भी, और अगर ख्वाहिश है तो भी. Thank you.
देखे तो देखिए। अगर तुम्हारे पापा की कंपनी होती तो क्या उनके साथ काम करने में भी तुम्हें यही फीलिंग आती? अब तुम बात को दूसरी तरफ घुमा रही हो। आके मिल दिल के दूर रास्ते, आजा कभी तू मेरे वास्ते, आ भी जा। और कितना चांस दूं? 5 साल से देख रहा हूं, कुछ सेटल ही नहीं हो रहा उसका। शादी और जॉब का क्या कनेक्शन है बेबी? सब कुछ ठीक ठाक चल तो रहा है मेरा शेयर मार्केट में, थोड़ी बहुत लाइफ तो ऊपर नीचे चलती रहती है ना। कॉलेज से लेकर आज तक ऊपर नीचे ही चल रही है तुम्हारी लाइफ, और बीच में मैं कहीं नहीं हूँ। सम प्रॉब्लम विद योर पवन ढल्ला। भल्ला, पापा बहुत फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। प्लीज पापा की कंपनी ज्वाइन कर लो, बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने उन्हें। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू बेबी। खन्ना साहब। गुड इवनिंग चिंतन साहब। इवनिंग, सॉरी मैं वो। अरे अरे नहीं, कंफ्यूज काहे होते हैं, आप ही का फ्लैट है खन्ना साहब। लेकिन आप चीनी खत्म हो गई थी, वही लेने आया था। तो ले ली ना। थैंक यू खन्ना साहब। लवली भाई, कहाँ रह गए थे आप? आपके बिना मजा। अरे यार तेरी भाभी आने नहीं दे रही थी, ये दे दिया, बोली ये बेस्ट है। और तेरे को कितनी बार मना किया है यार, ये चिंतन को अंदर बताने दिया कर। जी भाई जी भाई जी भाई, वे आजकल जिम में नहीं दिखाई दे। अरे भाई वो इसको क्या हो गया? आ तो अर्ज किया है। हाँ करिए भाई, करिए, खुल के करिए। खलने लगती है जब फादर को डॉटर की शादी में देरी, तब ना सुनता फादर भगवान की, फिर क्या औकात भल्ला तेरी और मेरी। वाह वाह लवली भाई, वाह वाह। अभी ये बढ़िया। वाह वाह क्या बात है। क्या यार गगन, इसे एक नहीं संभाली जाती, हमें देख सबको खुश रखते हैं। तेरी भाभी को बोल क्या कि भाई जल्दी आएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। क्योंकि आदमी रोज रोज दाल रोटी थोड़े खा सकता है। अरे यार याद है क्या तुम लोगों को? तो फोन। हाँ जानू, आप मीटिंग में पहुंच गए? हाँ हाँ जानू पहुंच गया। कब का? बस एक दो घंटे में फ्री होकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वेट मत करना जानू, हो सकता है लेट हो जाऊं। क्यों? नहीं 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 नहीं, लेट होऊंगा, मैं आ जाऊंगा। ओके बाय, आई लव यू, आई लव यू। करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है फैमिली चलाने के लिए, सब करते हैं, मनमोहन से लेके चुन्नी लाल तक। आई लव यू समझ में आएगा भाई, सब समझ में आएगा। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि भाभी से आपकी इतनी फटती क्यों है? नीचे उतर। भाई भाई, इसके कहने का मतलब ये था कि वो भाभी का फोन आने के बाद आप नर्वस क्यों हो जाते हैं? भाई अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी भाई, हम भी टोटली सॉरी भाई। इधर आओ। अबे फटती नहीं है मेरी, लेडी लक है, लेडी लक है वो मेरा। शादी से पहले रोड पे था, लेकिन शादी के बाद ये सारा का सारा बिजनेस भाभी के बाप का बनाया हुआ है, जिस पे मैं राज कर रहा हूं आज। समझे? आ गई, वो आ गई। चलो तुम लोग निकलो यहाँ से, कल मिलते हैं। पार्टी खत्म, चलो। मन नहीं है कहा ना, कल मिलते हैं, कल। चलो चलो। हाँ चलो चलो। थोड़ा चीनी कम पड़ गई खन्ना साहब, वो क्या आपकी भाभी खीर बना रही हैं, और खीर तो जितनी मीठी होगी उतनी टेस्टी होती है ना। जुगनू चीनी दे दे बेटा। जी भाई। सॉरी खन्ना साहब, आपको बार बार तकलीफ दे रहा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, तकलीफ तो आपको हो रही होगी सेक्रेटरी साहब, जो छोटी छोटी चीजों के लिए यहाँ चल के आना पड़ रहा है। आप एक काम कीजिए ना, हमारा फोन नंबर ले लीजिए, किसी भी चीज की जरूरत पड़े एक SMS कर दीजिए, हम होम डिलीवरी कर देंगे।
अरे ये डब्बा ही दे दे, ये लीजिए। बस अभी थोड़ी देर में बढ़िया सी खीर बन जाएगी, आप लोग खा के जाना। हाँ नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं, कोई खा रहा था। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। आरामी कहीं का, आरामी कहीं का, आरामी कहीं। अबे ओ भाई, तुम लोग भी सुन लो, खाना पीना यारी दोस्ती अपनी जगह पे है और हिसाब किताब अपनी जगह पे है, समझे? जल्दी से हिसाब क्लियर करो, क्या समझे? हाँ कर भाई, फिर आ गया। अरे तेरे लवली भाई? नहीं 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 भाई नहीं, ओनली लवली, लवली खन्ना। मुझे पिंटो भाई ने भेजा है। बिल्कुल करेक्ट एड्रेस पे आई हैं आप। आइए चलिए, आइए आइए आइए। डू यू लव मी और नॉट? ऑफ कोर्स आई लव यू बेबी। Then why did you upset papa? क्यों तुमसे चुप नहीं रहा जाता पवन? Same, same बात बोली थी मैंने, लेकिन भाई सबको मिर्ची लग गई। गगन, will you please keep quiet? Okay. देखो पूजा। क्या देखूं? क्या सुनूं अब? मैं मरी चली जा रही हूं पापा के सामने तुम्हारी तारीफ कर करके, और तुम हो के अपने एटीट्यूड दिखा के झटके में सब कुछ बिगाड़ देते हो। बोलने से पहले कुछ सोचो तो पूजा। जो इंसान वहाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करके मिलने जा सकता है, वो वहाँ क्या एटीट्यूड दिखाने जाएगा? मुझे तो लगता है तुम्हारे डैड का बचपन से सपना था कि एक दिन वो मेरी बेइज्जती कर सकें। पापा क्यों तुम्हारी इंसल्ट करने लगे? उन्हें तुमसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों? एक ऐसा लड़का जो उनके स्टैंडर्ड का नहीं है, जिनको उनकी लड़की ने चुना है, क्या ये कम छोटी प्रॉब्लम है? ओके ओके, फिर तो बात ही खत्म। देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस चैप्टर। तुमने कुछ नहीं किया, पापा ने कुछ नहीं किया, तो फिर बच्चा कौन? मैं, जिसने तुम दोनों की इंसल्ट की, राइट? हर चीज की एक लिमिट होती है पूजा। मैंने भी हमारी शादी और हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत सारे सपने देखे हैं और उन्हें पूरा भी करना चाहता हूं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किए बगैर। पूरे इंटरव्यू में तुम्हारे डैड ये मुझे जताते रहे कि नौकरी छोड़ना मेरा शौक है और लॉस करना मेरी आदत। अरे इंटरव्यू के नाम पर तुम्हारे डैड ने मुझे धोखा दिया है। वो तो चाहते नहीं है कि हमारी शादी हो। यह भी कोई बात हुई? एक महीने में घर बना लो, मजाक है क्या घर बनाना? हाँ भाई, मजाक है क्या घर बनाना? सही कह रहे हो तुम, पापा ने आज धोखा दिया है और मैं पिछले 5 साल से इसी धोखे में हूं कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सह सकते हो। एक्चुअली यू नो व्हाट पवन, द थिंग इज तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो। गलती मेरी है, अमीर बाप की बेटी हूँ, ये मेरी गलती है। तुमसे प्यार करती हूँ, ये भी मेरी गलती है। नहीं पूजा, प्लीज आई एम सॉरी, ऐसे मत रहो बेबी। हाँ देखो, तुम परेशान मत हो, देखो सब ठीक हो जाएगा। देखो हम चुपचाप कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे, मैं सब संभाल लूंगा बेबी, और किसी को पता नहीं चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बस एक ही चीज बाकी रह गई थी, है ना? कोर्ट, पुलिस, वकील, सोसाइटी में सबकी बदनामी। अरे तू क्या करूं यार, घर बनाने के लिए चोरी करूं, डाका डालूं, यही चाहती क्या तुम? Did I say this? मैंने ऐसे कहा पवन? चाय चढ़ाऊं तुम दोनों के लिए? बेबी, 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 पूजा, चढ़ो मुझे। पूजा, पूजा। तू यार कुंडली दिखा किसी पंडित को यार, ऐसे कैसे? अबे यार मुझे नहीं पढ़ना इन पंडितों पंडितों के चक्कर में यार। मेरी जान, तू इन पंडितों के चक्कर में पड़ेगा ना, तभी तो इन चक्करों से बाहर आएगा ना, तू बाहर आएगा ना यार। यार ये सड़ावा ज्ञान ना किसी और को देना जाके यार। अबे यार देना है तो कोई आइडिया देना यार। भाई वैसे एक काम हो सकता है। क्या? नहीं, लेकिन पहले एक प्रॉमिस चाहिए तुझसे। अबे क्या? यही 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 कि तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खड़ा होना चाहिए। अबे तू पहले आइडिया नहीं, नहीं 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 नहीं, पहले प्रॉमिस कर। अच्छा चल किया, अब बता। तू किसी का घर अपने नाम कर ले फर्जी। क्या बकवास आइडिया है ना। वैसे भाई आइडिया बुरा नहीं है। हाँ बोलो जानू। ऑफिस पहुंच गए? हाँ कब का, क्यों कोई खास बात? क्यों खास बात के बिना क्या फोन नहीं कर सकती तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कभी भी करो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। बोलो नीलू। 9 बजे तक आ जाना, फिर बताती हूँ खास बात। अरे 9:15 बजे आ जाऊंगा मेरी जान,
मेरी नीलू. ओके बाय, लव यू. लव यू. भाई मुझे हैंडल करना है. भैया आज गर्मी है या मुझे ही लग रही है? हाँ भाई है, बहुत गर्मी है. भाई जल्दी अंदर कर लो, झाग चला जाएगा. हाँ हाँ भाई साहब, क्या पेंटिंग बनाई आपने, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं आप. ओनर आर्ट है ना? हाँ बोलो क्या बात. हाँ वो लवली भाई, एक बिजनेस प्लान आया था हमारे दिमाग में. अच्छा? सोचा आपसे डिस्कस कर लिया जाए. हाँ भाई डिस्कस करो, बिजनेस डालो, पैसा कमाओ और भाई मेरे पैसे वापस करो. हाँ लवली भाई, हम भी वही सोचा. हाँ भाई इसलिए हमने जो सोचा है ये देखिए. ये क्या है? अरे आप देखिए तो सही. अबे धंधेबाज आदमी हूँ, चेहरे पढ़ता हूँ, ये पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में मत डालो. क्लियर क्लियर बताओ मामला क्या है. लवली भाई दरअसल हम एक ऐसा होटल खोलने की सोच रहे हैं जिसमें हर चीज बाकी होटलों से 150 रुपए सस्ती होगी, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा भाई. हाँ भाई, भाई हर चीज इतनी सस्ती रखेंगे कि लोग अपने घर में खाना खाने के बजाय हमारे होटल में आकर खाना खाना पसंद करेंगे. और हम कम से कम 500 लोगों से पूछ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम आप ही के होटल में खाना खाएंगे. हाँ भाई, और एशिया का ये पहला ऐसा होटल होगा जहाँ पर खाना खाने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी. करेक्ट, यही है हमारा बिजनेस प्लान लवली भाई. एक बात बताओ. जी भाई. बचपन में कभी तुम सीढ़ियों से गिरे थे? नहीं. नहीं. या कभी टीचर ने सर में डंडा वंडा मारा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं मतलब, या कभी क्रिकेट खेलते हुए लेदर की बॉल सर पे लगी हो? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं. नहीं भाई. लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह के छिछोरे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से और क्यों आते? भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, आखिर क्या खराबी है हमारे आइडिया में? खराबी? अब मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ सालो, अगर तुम्हें नंगा करके सड़क पे 10 दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो तुम अपने लिए अंडरवियर नहीं खरीद सकते. होटल खोलने चले हैं, अबे पैसे कौन देगा? भाई हमने एक ऐसी स्कीम सेट की जिससे चुटकियों में हमारा होटल खुल जाएगा. आप हम पे भरोसा करो ना, वी कैन डू इट. तो डू भाई, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो खोलो. आइडिया तुम्हारा, होटल तुम्हारा, तुमने मुझसे पूछा मैंने बता दिया. अच्छा कब खोल रहे हो होटल बताओ, डेट बताओ. बस अगले महीने इसकी शादी होने वाली है, बस उसके 6-7 महीने के बाद ये हमारा रेस्टोरेंट खुलवाने वाला है ना. हाँ भाई बिल्कुल. अबे इसकी ससुराल का तो सारा मैटर वैसे ही बसूड़ी में पड़ा हुआ है, वहाँ के सपने क्यों देख रहा है? नहीं नहीं, आप ससुराल की चिंता मत कीजिए भाई, वहाँ मैं सब संभाल लूंगा. बस बस आपका आशीर्वाद चाहिए भाई. ना 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 ना, अब ना मिलेगा आशीर्वाद भैया. 75,000 का आशीर्वाद इस पे है और 80,000 का तुझ पे है. नहीं नहीं भाई, पैसे तो चाहिए ही नहीं हमें. फिर भाई वो अब आपको सारा केस तो पता ही है. तो मैं सोच रहा था कि वो भाई आप अपना कांदीवली वाला फ्लैट है ना, वो इसके नाम पे कर दो. सिर्फ पेपरों पर भाई, सिर्फ पेपरों पर. ये किसका आइडिया? इसका है, इसने बोला था ज्यादा दिमाग. नहीं भाई वो चुप, बहुत हो गया सालो. चूना लगाने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? 2-4 बार हेल्प क्या कर दी, सर पे चढ़ के नाचने लगे. चलो निकलो निकलो यार. देखिए भाई आप सब समझ नहीं रहे. मैं सब समझता हूँ, रोटी मैं भी खाता हूँ, बहुत दिमाग दिया है भगवान ने और तुम लोगों की नस नस से वाकिफ हूँ. सालो मेरा फ्लैट अपने नाम करवाओगे? अबे उसी फ्लैट की छत से फेंक के ना तुम्हारी पसलियां तोड़वा दूंगा. चलो निकलो. नहीं भाई मेरी बात तो सुनो. भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? भाई, भाई हम भी इज्जतदार खान. तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो. चलो 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 चलो. अरे यार बंदूक निकाल लिया. सुनो. हां हां भाई, जल्द से जल्द मेरा हिसाब क्लियर करो, समझे? जी भाई. हां भाई. ओके भाई, चल चल साले फ्रॉडी. बताओ कैसी है? बहुत अच्छी. अरे खा के बताओ ना, मोती ने अपने हाथ से बनाई है आपके लिए. ओ हाँ, खा के बताता हूँ. क्या बात है, फैंटास्टिक. क्या हाथ है इसका. अच्छा जानू, वो क्या खास बात थी जिसके लिए फोन किया था सुबह? वो ना, इन दोनों का ना रोड कटिंग में मकान चला गया, अब ये दोनों यहाँ आ गए हैं परमानेंट.
मैं तो कहती हूँ आप ना मोती को अपने साथ काम पे लगा लो, दो चार दिन में सीख जाएगा। कितना स्मार्ट है हमारा मोती। क्यों स्मार्ट तो है, तभी तो यहाँ आया है। मतलब ये दोनों यही रहेंगे? हाँ, कुछ दिन यहाँ रह लेंगे और फिर तो कांदीवली वाले फ्लैट पे शिफ्ट ही हो जाएंगे। खाली तो पड़ा है वो। दीदी भाई क्या कर रहा है? अबे शर्म ढूंढ रहा हूँ तेरे चेहरे पे, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इतना घटिया आइडिया देने के बाद तूने जो बेइज्जती करवाई है ना हमारी, उसके बाद मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ शर्म तो आई होगी तेरे को। अगर मेरा बस चले ना तो शराब की बोतलों पे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखवा दूं, दारू पीकर दोस्तों को अंट शंट सलाना दे। गधा कहीं का, आने से पहले फोन नहीं कर सकता था? सॉरी जी, सॉरी सॉरी, बता नहीं सकता क्या हो गया? सॉरी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हुआ? जानू कहां से लाऊं इसके लिए कांदीवली वाला फ्लैट? वो फ्लैट तो बिक गया। बिक गया? कब? आज, आज ही सौदा हुआ है। अरे मगर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी वो फ्लैट बेचने की? अरे वो नए वाले प्रोजेक्ट में पैसे कम पड़ गए थे तो मैंने उसको निकाल दिया। ऐसे क्या देख रही है? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? कैसी बात कर रही हो जानू? तुम जानती हो मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं मोती से कितना प्यार करता हूँ। इसके सिवाय और है ही कौन हमारा? अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसके सर की कसम खाता हूँ कि वो कांदीवली वाला फ्लैट बिक गया है। अरे तुम मान क्यों नहीं रही हो? आज ही सुबह एडवांस लिया है उस फ्लैट का भल्ला से। भल्ला? अरे मिस्टर एंड मिसेस भल्ला जिन्होंने हमारा फ्लैट खरीदा है, खानदानी रईस हैं। मैं अभी तुम्हारे सामने उनसे बात कर लेता हूँ, बड़ा भाई मानता है मुझे। हेलो जी भाई। हाँ भाई भल्ला। हाँ भाई बोलिए। देखो भाई कल ही सारे पैसे लेके आ जाओ। जी जी, सारा हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं। जी 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 भाई। ओके अब इस बिल्डिंग में रहती है, निकलवाएगा क्या तू? लेडीज फर्स्ट। हाउ स्वीट, थैंक्स। भाई 10-10 हज़ार की चेकें हैं, डेट्स नहीं डाली है, जब पैसे हो जाएंगे तो हम आपको बता देंगे, आप डेट डाल के लगा लें। और जब कब आएगा? बहुत जल्दी भाई। जल्दी आएगा भाई। भाई देखो कल तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ बाद में मुझे बहुत फील हुआ, मुझे तुम लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ भाई। है? जी भाई। जी मतलब? अबे जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फील हुआ तो तू जी भाई क्यों बोल रहा? सॉरी भाई। तो फिर मैंने सोचा दोस्त हो तुम लोग, प्रॉब्लम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा, इसलिए आई एम रेडी। लेकिन उस रेस्टोरेंट में मेरी भी पार्टनरशिप रहेगी तुम दोनों के साथ। दम है लाइन लगेगी, बोलो क्या कहते हो? ओके डन भाई। ये हुई ना बात, आगे बढ़ते हैं, अब आएगा मजा। भाई मैं कड़ा ले जी भाई। बता भाई कैसे करना है? हाँ तो लवली भाई साहब मैं ये कह रहा था कि टेक्निकल पेपर जो है वो भल्ला साहब के नाम पर ही बनेंगे, क्योंकि शादी का प्रॉब्लम इनका है। प्रॉब्लम नहीं प्यार है मक्कड़ साहब, इसीलिए तो शादी कर रहा हूँ। प्रॉब्लम तो बना दिया गया है। हाँ भाई उसी प्रॉब्लम से निकालने को तो हम यहाँ बैठे हैं, क्यों लवली भाई साहब? तो भाई साहब मैंने सोचा है कि पेपरों की लिखा पढ़ी कुछ इस तरह से की जाए कि ढल्ला साहब का जो खानदानी ढाबा है वो भी लपेटे में आ जाए, तो आप टोटली सेफ हो जाएंगे। नहीं भाई मेरी सेफ्टी भल्ला में। व्हाट सेफ्टी मुझ में? देखो मेरा मतलब है कि हम टेक्निकली चलेंगे लेकिन पेपर्स मिस्टर एंड मिसेस भल्ला के नाम पे। ओके लेकिन लवली भाई शादी कहाँ हुई है मेरी? पता है लेकिन किसी ने कहा है ना कि तलवार अगर महबूबा के सर पर लटकती रहे तो आशिक कौन कंट्रोल में रहता है। वाह 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 व
मकर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। पेपर्स जरा सॉलिड बनवाइएगा। मकड़ मकड़ अपना काम है। क्या बोल रहा है? लिसन मिस्टर भल्ला, पिछले 20 साल से लवली भाई के साथ काम कर रहा हूँ, कंचे नहीं खेलता हूँ। अच्छा, सॉरी सॉरी मकर साहब, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो ठीक है बेटा, लेकिन बदलानी को क्या बोलेगा? ये अचानक फ्लैट कहाँ से आ गया भाई? शेयर मार्केट इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। लेकिन शादी के 10 दिन बाद ये फ्लैट खाली भी करना है तुझे? भाई शेयर मार्केट इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तू तो बड़ी कुत्ती चीज निकला बल्ला। तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? ओह कम ऑन पूजा, तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन डाउट करने के अलावा और भी बहुत कुछ सीख सकती हो तुम उनसे। पवन प्लीज, मैं तुम पे कोई डाउट नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस। लिसन बेबी, लिसन टू मी पूजा, लोग रिश्तों में तब इन्वेस्ट करते हैं जब किसी का फ्यूचर ब्राइट दिखता है, लेकिन ये जो शेयर मार्केट होता है ना, इसके रिवर्स प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही कमाता है जो तब इन्वेस्ट करे जब मार्केट लॉस में जा रहा हो। और खटाना अंकल यही बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और उन्होंने मेरे थ्रू ऐसे बहुत सारे शेयर्स खरीदे हैं जो लॉस में जा रहे थे, एंड दिस डील गेव मी ह्यूज मनी। दैट्स इट, दैट्स ऑल बेबी। ओके, आई एम सॉरी बेबी, वेरी सॉरी। इट्स ओके, पापा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं, पापा को मत बताओ। क्यों? पहले पोजीशन तो हाथ में आ जाने दो, आई वांट टू गिव हिम सरप्राइज। और मुझे पता है जब वो ये बात सुनेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। I don't believe this. इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब वो ये खबर सुने तो मैं उनका चेहरा देख सकूं। आराम से पढ़ लीजिएगा सर, अब तो पूजा भी घर की मालकिन है। What a beautiful thought. अभी शादी की तैयारियों पे ध्यान देते हैं, सिर्फ 10 दिन बचे। You're the best. I love you, baby. मिस्टर लखानी से बोल दीजिएगा US में अपने बेटे के लिए कोई और ही ढूंढ ले। I love you too, baby. सर अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा, वैसे भी आजकल के जमाने में बेटे और दामाद में क्या फर्क रह गया। मोती जी, दीदी तेरे जीजा जी मुझसे बिना पूछे खाली बोतले तक नहीं बेचते, ये 2 करोड़ का फ्लैट कैसे बेच दिया? वही तो, आपने ना जीजा जी को बहुत छूट दे रखी है। अरे वो अभी वो इतने भी बड़े नहीं हुए हैं। मेरा मतलब है कि काम उनका बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार तो आप ही है ना। क्या ठीक करोड़ पन्नो जी? रात रात फ्लैट की डील हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। क्या है मुझे तुम अपनी मम्मी के पास चली आना। हेलो, मेरा क्या है, मैं कहीं भी रह लूंगा, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं और नहीं तो यहीं सही। मिस्टर ललवानी? यस मिस्टर बदलानी। I want to know कि पवन भल्ला इस प्रॉपर्टी के रियल ओनर हैं या नहीं। प्लीज हैंडल दिस केस विद अटमोस्ट सीक्रेसी। ये मेरी बेटी की लाइफ से जुड़ा मैटर है, और आप तो कम्युनिटी के आदमी हैं, आप जानते हैं कि चीजें बाहर आने पर बदनामी होने में देर नहीं लगती। सदा साला नहीं हूं ना, नहीं तो चिया जैसा थोड़ी करते। चचेरा हूं ना, चचेरा है पर मेरा है। मिस्टर बदलानी, पेपर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। पेपर्स तो बोफोर्स, 2G और आदर्श के भी बड़े स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, लेकिन निकले तो सारे घोटाले ना। कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों, गांधी बली वाले फ्लैट में ही रहोगे। पर वो तो बिक गया। ये तो तेरे जीजा जी कह रहे हैं ना। तो फिर कैसे पता चलेगा? You're talking to Lalwani Brothers and Associates, Mr. Badlani. We know where the problem is. मतलब ये कि तू पता लगा कि सच क्या है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे। दीदी ये ना इन कामों में बहुत अच्छे हैं,
मैं इनके साथ ना टीवी पे कभी जासूसी सीरियल नहीं देखती। पहले सीन भी बता देते हैं कि कत्ल किसने किया है। पन्ना, चुप। अगर मेरा शक सही निकला ना तो इनका वो हाल करूंगी कि कोई शॉक करने लायक नहीं रहेंगे। I want results in one week. One week तो बहुत होता है मिस्टर बदलानी। ये केस हमारा एजेंट टोनी डिकोस्टा 4 दिन में सॉल्व करके देगा। टोनी? सर्दी का मौसम बर्फीले तूफान लेकर आ गया। खेत खलिहानों और बाग बगीचों में बस बच्चे तो काँव काँव करते कौए और नंगे बूचे पेड़। ए रोजी बस कर। सर्दी का मौसम। मैसेज फ्रॉम ललवनी। मैसेज फ्रॉम ललवनी। इस बार तो जबरदस्त प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ बोल भाई टोनी। हाँ बाबू भाई। हाँ मुंबई लक्ष्मी का 6-3-9 और मुंबई लक्ष्मी गोल्ड का 5-8 सब 100-100 भेजो। अबे यार जब भी लगाएगा तो उल्टा ही लगाएगा। देख 5 का पलटी भी लगा दे, रिपीट बहुत मारती है साली। अच्छा तो एक काम करो। हाँ 100 का 0 भी बढ़ा दो और अपने पंडर के हाथ से टिकट भेजो जल्दी। हाँ अच्छा पिछले में कितना दे रहे हैं? अरे बाबू भाई यार हमेशा परेशान रहते हो। एक बार नंबर लग गया ना तो उधारी चुकाने वालों में सबसे पहला नंबर आपका ही लगाऊंगा। मतलब मेरी प्रॉमिस। अबे काम चल जाएगा तेरा इतने कम कपड़ों में। अबे कौन सा लाइफ टाइम रहना है यार। नमस्ते साहब। तू ही दबा ले। आगे बढ़ ले बेटा। हो गया साहब निकालो 100 रुपए। अबे चिड़ी बजाना पकड़े आते तो। अरे थैंक यू। नीली टी शर्ट वाला था भल्ला। ओके चल चल। कोई तो आवाज सुनी थी यार। पापा। कौन है? अरे अब घंटी बजा बजा के भीख मांगने लगा। लेकिन इतना अच्छा कपड़ा पहन के भीख मांगेगा तो कोई नहीं देगा, क्योंकि यार कोई चिंता नहीं होता ना, जो शक्ल देके पहचान ले, समझे? चलो भी आ गए हो तो कुछ लेके जाओ। अरे अरे गाना वाना नहीं गाओ, तुम लोग बहुत बुरा गाता है। ऐसा बेसुरा गाता है ये लोग, मगजमारी करता है। अरे अंकल बोलते बोलो, बैंडेड चाहिए। चलो काम शुरू करें। जय हो जेम्स ऑन की जीरो जीरो सेवन मोती। अरे अरे तुम भिखारी लोग का भी क्या नखरा होता है, एक जगह कंप्लीट नहीं हुआ दूसरी जगह मांगने चले गए। निकले यार ये ले, पूरा फैमिली को खिलाना, घर जाके मजा ले लेके खाना, और दोबारा इधर देखना नहीं, पुलिस में दे देगा मैं, समझ गया? अभी जाओ यहाँ से, चलो चलो निकलो इधर से। हेलो 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 वन शट हुप लग दे। हेलो अरे कौन है बे? ये बात किस टोन में कर रहा तू? हेलो मैं कहाँ है? ओ हेलो नहीं नहीं लुबली भाई वो क्या है कि वो कोई फालतू आदमी बार बार फोन कर रहा था तो मुझे लगा फिर से उसी का फोन है तो अच्छा तो अब उनमें और हम में कोई फर्क ही नहीं रहा। फ्लैट दे दिए ना बेटा तो हमसे बड़ा फालतू कौन होगा? अबे तो क्या बात है,
बेटा फ्लैट क्या दे दिए तुम लोगों को, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का क्या है? वो नंबर ही नहीं दिखा तो मेरी क्या गलती है लवली भाई? अच्छा साले आग का नंबर चेक करा, अगर मोबाइल का नंबर नहीं दिख रहा है तो। लवली भाई एक मिनट भाई, अबे कहा गया बोल उठा। हेलो लवली भाई, ये ठीक कह रहा था, कंफ्यूजन हो गया था, वो बार बार किसी का मिस कॉल आ रहा था ना, तो जल्दी में लगा कि उसी का होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, सुन जी भाई, उधर एक मिस आ रही होगी, उसको वहीं पे रोकना जी, और चाय वाय पूछना जी भाई, मैं ऑन द वे हूं, बस पहुंचने वाला हूं। ओके भाई ठीक है, सुन जी, उस ढाबे वाले लौंडे को बोलना उसे देख के ज्यादा लार न टपकाए, समझा? ओके भाई बोल दूंगा, नहीं तो साली की रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप कैंसिल कर दूंगा। ओके बोल दूंगा। भल्ला Unmarried, but Mr. and Mrs. Pawan Bhalla. Here is the problem. जी मैम साहब, किधर जाना? साइन कर दीजिए। सात सौ तीन? अरे वाह, आज तो लवली भाई की लॉटरी लग गई। लवली भाई साहब, क्या जाना है आपको? लवली भाई? Who is this? आप जाइए, बाकी मैं भर लूंगा। Thank you so much. मैडम नाम क्या है आपका? एंट्री में डालना है ना? लवलीन। गुड नेम लवलीन। जी मैं लवली भाई आई रहे, लवली भाई का फोन आ गया था। मैं ये भी लवली भाई? कौन है ये? भाई की मिस। What? जी बहुत ही पीसफुल माहौल हो गया आपके आने से। अच्छा हुआ आप आ गई, हम आप ही का वेट कर रहे थे। मेरा वेट कब से? 5-10 मिनट। 7 जन्म से। जी जी वो सब छोड़िए, ये बताइए आप कुछ लेंगी? नो थैंक्स। बैठिए ना, आइए आइए बैठिए। हाँ आप तो किसी अच्छे घर से लगती हैं मिस लवलीन। लवली लवलीन, आप तो किसी अच्छे घर से लगती हैं मिस लवलीन, आप कैसे इस तरह के काम में आ गईं? देखिए मिस्टर पवन भल्ला। गगन ढल्ला, नाइस मीटिंग यू। देखिए मिस्टर भल्ला एंड ढल्ला, यस, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम काम होता है। गुड थिंकिंग, वेरी गुड थिंकिंग। वैसे आप लोग क्या करते हैं? हम जो है वो एक कुछ खास नहीं, एक बहुत अच्छे बिजनेस की प्लानिंग चल रही है। हाँ, राइट राइट। ओह जरा सामने से लेमन सोडा पकड़ ले, इस साले मूली के परांठे ना ब्लोर का काम कर रहे हैं सुबह से। चल जी भाई। कहाँ रख दिया ये सब? क्या है? लुंगियां हैं, अपने बाप के लिए लेगा? अबे दिख नहीं रहा, साड़ियां हैं। मगर इतनी सारी साड़ियां लेकर क्यों घूमती हैं आप? बेचती हूँ। ओ साइड बिजनेस है? नहीं नहीं मेन बिजनेस। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप ये लवली भाई का आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। वैसे आपकी उम्र में लड़कियों का इंटरेस्ट भाइयों में थोड़ा कम होना चाहिए। आप ना बहुत ही मजाक किया है, और आप बहुत ही इंटेलिजेंट है जो लोगों को इतनी जल्दी पहचान जाती है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या अपनी? आपकी तारीफ में अपनी तारीफ एडजस्ट कर रहा हूँ। You're so funny, huh? Thanks for compliment. You're welcome. वैसे वो यहीं रहते हैं क्या? कौन? लवली भाई? नहीं वो यहाँ नहीं रहते, ये तो मेरा घर है, वो तो बस अपने कुछ खास कामों के लिए यहाँ आते हैं। खास काम? आप कब से हैं इस लाइन में? मेरा आज फर्स्ट डे है। क्या? ओह जिया जी, ओह माय गॉड, देखना यार। अबे लवली भाई, देख लेंगे तुझे किसी दिन, संभल जा। ये काम आपके लायक थोड़ी है। आप जो है ना लवली भाई, कहाँ रह गए थे आप? कुछ लेते क्यों नहीं है चाय ठंडा पानी वगैरह? और तू बता क्या हाल है? आप कुछ लेते क्यों नहीं है? आप लवली भाई, ये है लवलीन जी, और लवलीन जी ये है लवली भाई। हाय लवली भाई। ना ना भाई नहीं, सिर्फ लवली, लवली खन्ना। वाह क्या मेल है, लवलीन लवली, ऐसा लगता है कि माँ बाप ने जुड़वा बेटे बेटी के नाम रखे हो। खराब हो गई क्या? वैसे है कौन? आपकी मिस है भाई।
अरे वाह, अरे खड़ी क्यों है, बैठिए ना, थक जाएगी. बैठिए बैठिए. बताओ क्या लोगी, ठंडा गरम? नथिंग सर, थैंक्स. एक्चुअली ना हमारा एक मंथली टारगेट होता है और आप सब लोग चाहें तो वो पूरा हो सकता है. अरे सब लोगों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पास टाइम कितना है? है सर 2-3 घंटे. बस फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, मैं अकेला ही बहुत हूँ तुम्हारा टारगेट पूरा करने के लिए. नहीं नहीं भाई, वो साड़ियों की बात कर रही है. उतारने की ना, तो उतार देंगे, हम कौन सा दुशासन से कम है. नहीं नहीं भाई, आप समझे नहीं, उसका साड़ियों का साइड बिजनेस है. साइड बिजनेस नहीं, मेन बिजनेस गगन जी. हाँ हाँ हाँ. एक मिनट, ये साइड की बिजनेस बाद में, पहले मेन बिजनेस. आप बोल भाई. भाई मोती दरवाजे पे खड़ा चुप कर सब कुछ सुनने में लगा हुआ है. क्या अब क्या करें? हाँ तो ठीक है भल्ला साहब, आप अपनी वाइफ के लिए साड़ियाँ खरीद दीजिए और मैं अपनी वाइफ के लिए. लेकिन लेकिन आप इधर बैठिए, आप उधर दूर बैठिए. हाँ हाँ, आपको अपनी वाइफ के लिए साड़ियाँ खरीदनी ही पड़ेगी. लवली जी साड़ियाँ दिखाइए ना प्लीज. अबे जुगनू. हाँ भाई. भगा ना उसको यार. जी भाई. ओ माय गॉड. अरे लिफ्ट में कुर्सी किसने उड़ा दी? कौन है? लिफ्ट किधर है भाई? कोई है? हाँ जी, आप देखिए ना, ये वाली देखिए. ये बहुत बढ़िया. पिंक वाली. और ये भी. गया भाई गया. चीजों जो आपने साड़ी पहनी है वो. गया. अच्छा बहुत अच्छी है. थैंक यू. ये सबसे बेस्ट कलर है और इसके सिर्फ 4 ही पीसेस हैं. Excuse me, can I use your washroom, please? Sure. Yes, yes. आइए मेरे पास. Sure. चलिए चलिए इस तरफ. Thank you. अबे तू कहाँ जा रहा है? अरे यार छोड़ दो. लवली भाई, शादी कब हुई मेरी? अबे तेरी सेफ्टी के लिए बोलना पड़ा. तेरी भाभी को शक हो गया है कि इस फ्लैट की डील नकली है. जासूस लगा रखे है उसने. चारों तरफ से घेर रखा है हमें. कौन कौन है? एक साला. एक काम करो भाई, ये उठा अपनी दुकानदारी और निकल यहाँ से. तू भी निकल, दोनों निकलो. चाय वाय पी के आओ, जरा टहलो वहलो. मैं तब तक ये साड़ी वाली को निपटाता हूँ. जुगनू बेटा लेमन सोडा बना. लवली भाई ये आपको अच्छी लग रही है, हैं? अरे क्या हो गया आपकी टेस्ट को? मतलब? अरे मतलब बहुत चली हुई है, खुद ही बता रही थी. हा? एक दिन में 3-3 शिफ्ट मारती है. अरे भाई आपके लिए तो एकदम भोली मिस चाहिए. लेकिन पिंटू भाई तो बोल रहा था आज वाला मिस मार्केट में पहली बार उतरा है, टोटल फ्रेश. अरे यार जुगनू, हलवाई का ब्रेड का पीस और दल्ले की मिस दोनों फ्रेश कहके ही तो बेचे जाते हैं. अरे लेकिन पिंटू भाई. अरे यार झूठ बोल रहा होगा पिंटू भाई. लवली भाई उल्लू बना रहा है वो आपको. मैं आपको देता हूँ बहुत सारे दल्लों का नंबर. मस्त मस्त झपा झप. कौन आ गया? ओए जुगनू. जी भाई. दरवाजा खोल. जी भाई. हाँ जी. जी लवली भाई खन्ना का घर यही है? हाँ जी बोलिए. मुझे पिंटू भाई ने भेजा है. हाँ जी यही रहते हैं, आइए. थैंक यू. आप लोगों में से लवली भाई? तुम? एक मिनट जा कर आई हो, बिल्कुल करेक्ट एड्रेस पे आई हो. और ये तुम क्या कर रहे हैं भाई? तू भी पिंटो भाई से सर्विस लेता है क्या? नहीं 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 भाई नहीं. तो फिर वो एक्चुअली इनका चेहरा मेरी एक बचपन की दोस्त से बहुत मैच करता है. तो मुझे लगा वही है ये. अच्छा क्यों गगन? हाँ 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 हाँ. लेकिन वो है तो नहीं ना? हाँ भाई वो नहीं है. तो वेरी गुड है, कंफ्यूजन ही क्लियर हो गया. वो जो है वो प्योर सर साड़ी बेचने वाली है, वो ये वाली चीज नहीं है. तो उसको जाने देते हैं ना, है ना? उसको मैं लेके जाता हूँ. ना 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 ना, ऐसे कैसे जाने दूँ? तू तो उसके लिए भी बोल रहा था कि बहुत चलिए भाई. वो तुम मैं हाँ भाई ये सही कह रहा है, वो ये वाली चीज नहीं है. अच्छा ओके चलो बैठो इधर. और तुम लोग निकलो निकलो, उठाओ अपना ताम झाम, चलो चलो बाहर निकलो. लवली भाई मेरी बाहर निकलो. ओए लेमन सोडा बना दो रहा. भाई अर्ज किया है, मोहब्बत करने वालों का बस है इतना साफ साना. मोहब्बत करना
और फिर अपने घर जाना है। वाह, एक मिनट, वाह वाह वाह। हाँ क्या हुआ? ये साड़ी वाली लवली भाई को क्यों पूछ रही थी? है? मुझे पूछ रही थी? हाँ। मेरे लिए आई होगी। तो आपको पिंटू भाई ने तो उनको कौन से पिंटू? अबे मत चेक कर, अबे क्या कर रहे हो? लेडीज पर्स खोल रहे हो? बैड मैनर्स। देख एक मिनट लवली भाई, देखा चेक चेक कर, खोल खोल खोल। लालवानी ब्रदर्स एंड एसोसिएट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ओजी डिकोस्टा। सर मैं घर में घुस चुकी हूँ और बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग कर रही हूँ, फुल रियलिस्टिक, यू डोंट वरी। बट सर, ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर बदलानी की बेटी ने मिस्टर भल्ला से चोरी छुपे शादी कर ली हो और वो भी इस फ्लैट के फ्रॉड में शामिल हो, है ना सर? रोजी, रोजी, रोजी। यस सर। अगर बदलानी की बेटी ने चोरी छुपे शादी कर ली होती तो ये फ्लैट का बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता, भल्ला इन सब झमेलों में ही नहीं पड़ता। पॉइंट है सर, है ना? बस इसी पॉइंट पे काम करो। ओके सर, ओके सर। सर एक बात और है, यहाँ पर अबे चल, क्या रहा है ये? कौन है ये? भाई आपकी चीज वो नहीं, ये है। वो कौन है? डिटेक्टिव। डिटेक्टिव? अबे तो डिटेक्टिव को यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं नहीं, हमने नहीं बुलाया, उसे पूजा के बाप ने यहाँ भेजा है। नहीं नहीं यार, हो सकता है नीलम भाभी की जासूस हो। अभी अभी भाई ने बोला ना कि नीलम भाभी ने जासूस लगा रखे। लेकिन वो बदलानी का नाम क्यों ले रही थी? हाँ तो हो सकता है बदलानी और नीलम भाभी का आपस में कुछ हो। अबे ये क्या आपस में बजूड़ी डिस्कस कर रहे हो? क्लियर क्लियर इधर बात करो। भाई भाई भाई, क्लियर क्लियर बात ये है कि बदलानी को शक हो गया और अंदर जो लड़की है ना वो उसकी कोई जासूस है। अरे यार, अरे भाई आपने फंसवा दिया मुझे उसके सामने शादीशुदा बोल के। अबे तो क्या हो गया, शादी तो वैसे भी फंसने का नाम है, पहले क्या और बाद में क्या। चलो 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 चलो। अरे यार ये तो गले में फंसी हुई हड्डी है, इसे न रोक सकते हैं न भगा सकते हैं। अबे ओ कृष्ण का नहीं, उठ के बैठ, मुट्ठी कर। ओए संभाल 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 संभाल। डालो 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 डाल डाल, खोल ना। तू दिया हो कितना खोलूं? लंबी भाई आप बीच में मत पड़, कर पता नहीं चला। खोल खोल जल्दी कर, डाल डाल। हो गया हो गया हो गया, छोड़ 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 छोड़। आप रुकिए रुकिए, लेट मी गेस लेट मी गेस, मिसेस मिसेस पवन भल्ला जी? नहीं मैं रानी हूँ, मुझे पिंटू भाई ने भेजा है। पिंटू भाई? पिंटू भाई मतलब लवली भाई के साले। ओह इनसे मिलिए, ये हैं मिसेस लवली खन्ना। वो एक्चुअली भाभी है ना, भाई से नाराज होकर मायके चली गई थी और पिंटू भाई जो इनके बड़े भाई हैं उन्होंने समझा बुझा के इन्हें वापस लवली भाई के पास भेजा है। लवली भाई आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू लवली भाई। लवली भाई आई एम सॉरी। इट्स ओके इट्स ओके। मैंने आपसे छुपाया कि भाभी आज ही मायके से वापस आ रही है। मगर ये तो आपका घर है ना? हाँ है, नो डाउट, मेरा ही तो है। वो क्या हुआ ना कि भाभी मायके चली गई तो लवली भाई का मन घर में अकेले लग ही नहीं रहा था, इसलिए वो मेरे पास रहने आ गए हैं। भाभी की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या आप इन्हें कुछ साड़ियां नहीं दिलाएंगे? लेकिन बिल्कुल दिलवाएंगे, जरूर दिलवाएंगे, लेकिन पहले भाभी के हाथ की चाय हो जाए। भाभी इतने दिन हो गए आपके हाथ की चाय नहीं पी हमने। हा? सबको एक एक कप चाय नहीं पिलाएंगी प्लीज? और भाभी के हाथों में वो जादू है कि पूछो ही मत। चलिए भाभी मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना, चलिए सबके लिए गर्मा गर्म चाय हो जाए। चाय बाद में, पहले सबको हलवा खाना पड़ेगा। क्या बात है भाई, काफी लोग जमा है, कोई फंक्शन वंक्शन है क्या? जी हाँ, हैप्पी बर्थडे है लवली भाई का। बर्थडे? ओहो खन्ना साहब क्या बात है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे लवली भाई। भाई नहीं, ओनली लवली, लवली खन्ना। हैप्पी बर्थडे लवली भाई। भाई पति को भाई? चार दिन लवली भाई लड़की मायके कह रहा है, पति को भी भाई बोलने लगती है। भाभी की चार चार भाई है ना, तो इनकी जुबान पे भाई शब्द कुछ ज्यादा ही छड़ा हुआ है। अबे गगन तू बातें बनाता रहेगा या भाभी की मदद करेगा चाय बनाने में? हाँ चलिए चलिए चलिए, अभी मैं आपकी मदद करता हूँ चाय चढ़ाने में। मेरा हाथ तो छोड़ो। हाँ भाभी छोड़ता हूँ ना। वेरी गुड खन्ना साहब। अच्छा केक ऑर्डर कर दिया? भाई इनसे पूछो, इनको पता है सब। केक ऑर्डर किया? चिंतन जी हम बाहर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसमें रिक्वेस्ट की क्या बात है, मुझे तो खुशी होगी, बताइए आप। प्लीज आप पीछे से हमारे घर का ख्याल रखिएगा, चोरियां बहुत हो रही है ना। हाँ ये समझ तो गए।
हाँ, समझ गए तो आइए। मत भूलना, ऑल द बेस्ट। जिया जी का बर्थडे, डॉक्टर दीदी। हेलो हेलो दीदी। अरे एक बार बताइए, आज जिया जी का हैप्पी बर्थडे है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, उनका बर्थडे तो चार साल में एक बार आता है, 29 फरवरी को। पर यहाँ तो फुल बर्थडे की तैयारी चल रही है भाई। क्या बर्थडे? हाँ, दो खूबसूरत सुंदर सुंदर लड़कियां भी आई हुई है, केक का ऑर्डर दिया भी मेरे सामने। मोती जी दीदी, तू रुक वही, मैं आकर तेरे जीजा जी की मोमबत्तियां बुझाती हूँ, फिर कटेगा उनका केक। जल्दी कीजिए, हाँ ऐसा नहीं हो कि अंदर केक पे कट जाए, हम लोग चुप जाए। चल, हैप्पी बर्थडे जीजा जी। रानी जी, रानी जी। क्या रानी जी लगा रखा है? कोई भाभी जी कह रहा है, कोई रानी जी कह रहा है। अभी बहुत इज्जत मुझे इंसल्ट लग रही है, सीधे नाम से बुलाओ, समझे कि नहीं? ओके रानी, आप चाय चढ़ाओ, मैं समझाता हूँ। चाय चढ़ाई नहीं जाती है, चाय बनाई जाती है। हाँ, लेकिन चाय चढ़ाओ ऐसा कहा भी जाता है? कहा दारू चढ़ाओ जाता है, चाय बनाई जाती है। चाय भी चढ़ाई जाती है रानी? मैंने तो कभी नहीं सुना। हाथ सुन लो, मैं गलत बात कभी किसी की नहीं सुनती, समझा? अच्छा अच्छा अच्छा, चाय चढ़ाई नहीं जाती है, बनाई जाती है। आप चाय बनाइए, इस काम के 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। मेरी बात 10 की हुई है पिंटो भाई से। हाँ ठीक है, उस 10,000 के साथ में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप सब लोग यही रहते हैं क्या? मेरा घर है, सब लोग मेरे घर में क्यों रहेंगे? कोई धर्मशाला है क्या? सब अपने अपने घर में रहते हैं। कहाँ रहते हो भाई तुम? घाट को ऊपर। मेरा तो भाई बंगला है वर्सोवा में। और गगन का विले पाले में अपना फ्लैट है। एक मिनट, क्या हुआ भाई? मैं तो वही काम करूंगी जिसके लिए आई हूं। तो नहीं करवाएंगे आप, नहीं करवाएंगे हम वो काम। आप चाय बनाओ। अभी तो क्या लवली, आप हर बार हर बार क्यों चिल्ला? अभी तो क्या लवली भाई ने आज चाय बनाने के लिए बुलाया? वैसे बहुत तेजी से तरक्की की इस लड़के ने, देखते ही देखते न जाने कहां से कहां पहुंच गया। चला था राह में अकेला ही, लोग जुड़ते चले गए, फ्लैट बनते चले गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। वाओ, दिस इज क्वाइट कमेंटेबल। इतनी यंग एज में मुंबई जैसे शहर में खुद का इतना बड़ा फ्लैट, और वो भी फुल पेमेंट के साथ। कोई फाइनेंस, कोई ईएमआई का लफड़ा नहीं। डोंट टेल मी। या आई एम टेलिंग यू। अच्छा ये बताइए, ये फ्लैट आपने कितने में लिया? हां क्या मैडम, इरादे तो नेक है ना आपके, कहीं रेट वेट डलवाने की तो नहीं सोच रही ना? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया था। नहीं, जिस बारीकी से आपने मुझसे फ्लैट के बारे में पूछा ना, तो मुझे लगा या तो आप सेल्स गर्ल के भेस में कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, या फिर कोई जासूस। क्या क्या पवन जी, आप भी मुझे पता नहीं क्या क्या बनाने पे तुले हुए हैं। अरे यही काम है इनका, किसी को कुछ भी बनाते रहते हैं, किसी को जासूस, किसी को भाभी, किसी को लव। आप सबको बनाते हैं, मगर आपको बनाने वाली दिखाई नहीं दे रही। कौन? आपकी लेडी लग। ओ ओ, उसी की तो कमी है लाइफ में। मतलब शादी नहीं हुई है ना मेरी अभी। बट लवली जी तो अभी आपकी वाइफ के लिए साड़ी खरीदने के लिए बोल रहे थे ना, वो क्यों? हाँ, एक्चुअली शादी हुई भी है और शादी नहीं भी हुई है। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं वो नहीं, बात ये है कि एक्चुअली हम लोग अभी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, बट जल्दी शादी भी कर रहे हैं। और शादी होते ही रेस्टोरेंट, टन टन, है ना बोल? जी हाँ। एक्सक्यूज मी, श्योर? नहीं नहीं, बाद में। वाओ, आप लोग रेस्टोरेंट भी खोल रहे हैं? जी हाँ जी हाँ। और मैं भी पार्टनर हूँ उसमें। हाँ, हम सब लोग पार्टनर हैं उसमें, सबके सब, है ना? जी हाँ, सबके सब पार्टनर हैं। ओके कांग्रेट्स, आप तो भाभी को साड़ियाँ लेनी ही पड़ेंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल लेंगी, क्यों नहीं लेंगी, लेना पड़ेगा। कहाँ है वो? कहाँ है वो बताइए ना, बोलिए। सब्जी लेने गई है। ओ सब्जी लेने, वो लवली भाई का हैप्पी बर्थडे है ना आज, तो उसने बोला मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी आज। नो प्रॉब्लम मिस्टर भल्ला, आई विल वेट देन, आई एम श्योर उनको साड़ियाँ जरूर पसंद आएंगी। जरूर आएंगी, लेकिन वो कब आएंगी? पता नहीं। आई लाइक दिस। हां कैसी लग रही हूं मैं? कमाल, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एक नंबर, वाह वाह, कमाल से भी ज्यादा कमाल, बिल्कुल रानी लग रही है, बिल्कुल रानी, बहुत ही बढ़िया, सच बताओ, वंडरफुल, सच में थैंक यू। हां कितने की है ये? ओनली 5000। रानी लग रही हूं नहीं,
देखिए बहन जी, ठीक ठीक लगाइए। अच्छा 4:30। ओके भाभी जी, डन। थैंक यू। अबे यार, दे दो। अरे मैं काट लेना मेरे में से। मैं काट लेना मेरे में से। क्या भाई हाफी, दे दो ना, काट लेना भाभी की पॉकेट मनी से। दे दो भाई, अपना बर्थडे गिफ्ट समझ के दे दो प्लीज भाई। दे दो। देखिएगा बहुत अच्छी लगेंगी भाभी जी। देखा अभी, हमारी रानी ना सही लेकिन भाई तो एकदम राजा है। भाई भाभी। अरे क्या देवर जी, दिल नहीं लग रहा आपका? भाभी तो अंदर साड़ी पहनने गई है। अरे नीलम भाभी आ गई। नीलम क्या? अब ये साला मोती। अबे भागो, हटो, चलो 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 जल्दी। अबे यार, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं था, मैं आया ही नहीं। अरे अरे पवन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? हम कहाँ जाएंगे? हमारा ही तो कह रहे हैं, हम क्यों जाएंगे? हाँ हाँ, हम क्यों जाएंगे, मेरा ही तो फ्लैट है भाई। हाँ, लिफ्ट से चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन लिफ्ट से तो नीलम भाभी आ रही होगी। अबे क्यों कंफ्यूज कर रहा, चल। मोती दीदी, तू बाहर ही रुकना। अरे दीदी, अंदर तो केक कट रहा है ना, इनको ना केक बहुत पसंद है। दीदी मैं केक लेकर बाहर आ जाऊंगा। नहीं हाँ, तू बाहर ही रुकना। अगर तेरे जीजा जी ने निकलने की कोशिश की तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। वेरी गुड भाई, जिम की बजाय रोज सीढ़ियां उतरना शुरू कर दो। What's going on? लवली भाई को क्या हुआ? सडनली कहाँ चले गए? वो लवली भाई की भाभी सडनली यहाँ आ रही है। तो इसमें भागने की क्या जरूरत थी? अरे उनकी बनती नहीं अपनी भाभी से क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली लवली भाई की भाभी उन्हें अपना हस्बैंड समझती हैं। What? But why? बात ये है कि लवली भाई का एक जुड़वा भाई था, यार क्या क्या नाम था उसका? बबली भाई। बबली भाई? करेक्ट। फिर क्या हुआ पता है? क्या? बबली भाई बेचारे की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और उसके बाद से बबली भाई की वाइफ ऐसी शॉक्ड हुई कि लवली भाई को ही अपना हस्बैंड समझने लगी। ओह हाँ, मगर उसमें भागने की क्या जरूरत थी? बोलिए ना। बता दे। आप वो भाभी को ना लवली भाई का यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है इस फ्लैट में। क्यों? वो बताता हूँ। बबली भाई की डेथ लवली भाई के बर्थडे वाले दिन ही हुई थी ना। हाँ, इसी फ्लैट में। बट ये तो आपका फ्लैट है ना, है ना? हाँ मेरा है, तब उनका था, अब मेरा है। उनका मतलब किनका? आगे। नमस्ते। कैसी लग रही हो? पन्ना तू राइट देख, मैं स्ट्रेट देखती हूँ, ओके? भगवान ऐसी तकलीफ किसी को ना दे। इस घर में आने के बाद आज भी सीधे उसी बाथरूम में जाती है जहां गिरकर बबली भाई की डेथ हुई थी। हाँ, और सदमे की इस हालत में देखो, वो अपनी भाभी तक को नहीं पहचान पा रही है। वेरी सैड, लेकिन वो उनके साथ में कौन है? नर्स। ओके। दीदी आइए। आइए आइए। नहीं है। हाँ हाँ बोलो जानू, कहाँ हो? झाँक के देखो जानू, तुम्हारे दिल में हो। बातें मत बनाओ, कहाँ हो तुम? जानू अंदर वे हो। बस थोड़ी देर में घर पहुँच रहा हूँ। क्यों, क्या बात है, सब ठीक तो है? सब ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। बनारसी? जी हाँ, प्योर बनारसी है, बहुत ही रीजनेबल रेट पर दी है मैंने भाभी जी को।
एक और पीस है? नो मैम, ये लास्ट पीस था। खत्म हो गया इसे। लेकिन और बहुत सारी वैरायटीज है मेरे पास, एक बार देखिए तो सही। दिखाओ। हाँ दीदी, अब आए हैं तो कुछ लेकर ही चलते हैं। आप ये ट्राई करके देखिए ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो क्यूट। थैंक यू। यू वेलकम मैम। जी यू वेलकम। आइए, गेट खोलिए ना। आइए। थैंक यू। अच्छी जोड़ी है। चल इसके साथ ज्यादा मैच कर रहे हैं ना। हाँ ये अच्छा लग रहा है। तूने किसको अंदर जाते देखा था? किसको मतलब? जीजा को देखा था और क्या? तो अब कहाँ चले गए तेरा जीजा जी? अरे अंदर होंगे, अंदर नहीं है क्या? नहीं अंदर। अरे किसी बात कर रही हैं आप? वो नीचे गए होंगे, नीचे। और जब नीचे गए तो तूने देखा नहीं, तूने आंख में पट्टी बांध ली थी। आप बिलीव नहीं कर रही मुझ पे? मैं बाय गॉड कह रहा हूँ, 15 की कसम, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं 704 वाले से बात कर रहा हूँ, उसने जीजा जी को बड़े विश किया। अरे चार बिक गई तब भी मन टाइट है? मंथली 15 का टारगेट होता है पवन जी, और अगर आपकी वाइफ भी कुछ साड़ियाँ खरीद ले तो। अरे मैंने अभी अभी आपको बताया है ना, वी आर इन टू लिव इन रिलेशनशिप में है, आई नो। लेकिन गगन जी, जिसके घर में कमाने वाला सिर्फ एक हो और खाने वाले चार हो, उसके दिल से पूछिए कि सेल्स में मंथली टारगेट क्या होता है, जिसे रोज अपने बाप को दारू के लिए पैसे देने पड़े। उसके दिल से पूछिए गगन जी कि सेल्स में मंथली टारगेट क्या होता है, बजट बढ़ते ही जिसके घर का बजट बिगड़ जाता हो। उसके दिल और उसकी आत्मा से पूछे गगन जी कि सेल्स में मंथली टारगेट क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, तो ये मत। थैंक्स गगन। कौन पाई जी? नमस्ते गंजी। अरे तुम अभी तक यहीं हो? और कौन है ये लोग? फैमिली, मेरी दीदी, मेरी बीबी। नमस्ते। पूरा फैमिली लेके आ गया तुम इधर? अरे नहीं अंकल जी। नहीं 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 नहीं, देखो मुझे अभी इधर कुछ देखना सुनना नहीं है। अंकल जी, एक बार जो देना था वो दे दिया ना। देखो अभी तुम इधर दोबारा दिखाई पड़ा ना, तुम्हारा पूरा फैमिली का साथ तुमको मैं पुलिस में दे देगा, समझा क्या? पक्का पुलिस के हवाले करेगा मैं तुमको, पूरा फैमिली का साथ करेगा। चलो अभी निकलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो। अरे आप सुनते नहीं है, ये सब ना मिले हुए हैं और मेरी किस्मत यह है कि मुझे तू मिला हुआ है। मोती तू एक काम कर। दीदी कि तू कुछ मत कर, तेरे बस की कुछ नहीं है। दीदी नहीं, इनकी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो तो मैं उस दिन समझ गई थी जब तुझे पसंद करके लाया था। हाँ। नहीं दीदी ऐसा मत करो, मुझे ना एक लास्ट चांस दो, एक लास्ट चांस और दो। मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, मैं सब पता लगा लूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, बस एक लास्ट चांस। ठीक है, डोंट वरी, एक साड़ी मैं ले लेता हूँ, आपका टारगेट मेरा टारगेट। नहीं नहीं आप मत लीजिए। क्यों? आपके अपनी वाइफ के लिए लेंगे। नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। ओह नाइस, तो जब होगी तब ले लीजिएगा। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं वेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक ले लेता हूँ। नहीं नहीं आप भी मत लीजिए। क्यों? भाभी जी खुद से लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अरे लवलीन जी, मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि वी आर इन टू लिव इन रिलेशनशिप। आई नो यू आर इन टू लिव इन रिलेशनशिप, बट प्लीज। हाँ यार, अरे तू मान क्यों नहीं जाता यार, है ना? तू बात करके देख ना भाभी से और पूछ कहाँ है, हो सकता है कि उनको एक दो साड़ियाँ पसंद आ जाए तो इनकी हेल्प हो जाएगी, है ना? रुक जा मैं ही लगा देता हूँ फोन। ले ले ले, लगा दिया मैंने फोन। अभी घंटी जा रही है, बात कर बात कर। हेलो। हाँ बोलो गगन। हेलो डार्लिंग, मैं बोल रहा हूँ पवन, कहाँ हो तुम? I'm at home at rehearsal. Why? Where are you? Oh no! Oh my God! Oh no! नहीं नहीं तुम रुको, मैं आता हूँ। हेलो, चल भाई चल 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 फटाफट चल। अरे क्या हुआ? पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं आज रात से। What? पूजा पेट्रोल पंप पे खड़ी है, उसने कहीं न्यूज़ पे सुना है, कह रही है आके टंकी फुल करा लो। तो ठीक है मैं भी चलती हूँ। आप जब तक टंकी फुल कराएंगे मैं भाभी जी को साड़ियाँ दिखा दूँ। नो नो प्लीज,
प्लीज लवलीन जी, अगर पूजा मुझे आपके साथ देखेगी ना तो उल्टा सीधा सोचेगी। क्यों? बहुत शक्की है वो, शी इज वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स। गगन जी, हाँ? मेरा टारगेट हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं एक और ले लेती हूँ। नो 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 भाभी जी नो, बनारसी वापस करके जो साड़ी लिया ना आपने, बहुत अच्छी लग रही है आप पे, अब आप भी जाइए प्लीज। तो लेकिन पवन जी, मेरा मंथली 15 का टारगेट। अरे पता है, पता है मुझे सब पता है, लेकिन कंपनी ने ये तो नहीं कहा ना कि जिस घर में जाओ उसी घर में 15 साड़ियां बेचकर निकलो। 4 दिन बचे हैं मंथ पूरा होने में, हो जाएगा आपका टारगेट पूरा, आप किसी और घर में जाइए ना। भाई एक मिनट क्या हुआ? मोबाइल दे। हाँ दे मोबाइल दे। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं चलता हूँ साड़ियाँ बेचने के लिए। नो इट्स नॉट ओके, आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है, चलिए आपका टारगेट मेरा टारगेट, आइए बिल्कुल वरी मत, पूरे नहीं भाई, कम आइए। गगन अबे सुन तो, आइए। कौन क्या है भाई, कौन हो? चलो चलो चलो, तुम्हारा भला करेगा, तुम मेरे लिए करो वो तुम्हारे लिए करेगा। वॉचमैन ने कैसे आने दिया ऊपर तुम्हें, ये लो चलो रखो, चलो 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 चलो, मुझे जाने दो, लिफ्ट उधर है राइट में, घूमो चलो चलो चलो, मैं बताता हूँ राइट में अपने, आइए कम ओके। टोटली अंधे हो क्या? स्मार्ट दिखता हूँ मैं चश्मे तो, उतार दो चश्मा। कैसी लग रही हूँ मैं? साड़ी कहाँ से आई? उफ खुले आम चोरी, क्या यार। ओ मेरा फोन है। पूजा हेलो, हाँ पूजा, वेयर आर यू? फोन किसने उठाया था? डार्लिंग कहाँ हो तुम? बेबी फोन किसने उठाया था? अरे अरे बाबा मिलके बताता हूँ ना, प्लीज बताओ ना कहाँ हो तुम, प्लीज बोला ना, रिहर्सल में हूँ घर पे। ओके आई एम कमिंग। फोन क्यों उठाया? बजा तो उठा लिया, मुझे लगा मेरा फोन है। अब तुम्हारा मेरा फोन और रिंगटोन दोनों चीजें एक जैसी हैं तो मैं क्या करूँ? हाँ साड़ी उतारो, पैसे निकालो। कितना तुझे चाहे मेरा दिल तू ये जाने ना, इतनी मोहब्बत इन आँखों में क्यों पहचाने ना। भाई साहब बहुत ही अच्छा मौका है महंगी साड़ियाँ सस्ते में लेने का। मगर ये साड़ी तो 2000 की आती है, तुम क्यों 4 बता रही हो? मैम डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं हम लोग। सॉरी बाबा नहीं चाहिए। कितने में दोगी? सॉरी आई एम टायर्ड। बोला ना नहीं चाहिए। फ्लैट को रेनोवेट करवाने की सोच रहा हूँ, आर्किटेक्ट ने गलती से तुम्हारा फोन उठा लिया था। लेकिन वो तुम्हारा फोन क्यों उठाने लगी? अरे कम ऑन बेबी, वॉशरूम गया था, बाहर टेबल पे फोन छोड़ दिया, गलती से उठा लिया होगा उसने। ये सच है मान ले कहता हूँ, हम तो दिल से हैं बस तेरे, मैं तुझ पे जान लुटा जाऊं, एक नजर प्यार की तू दे दे सोनिए। इतनी जल्दी क्यों हार मान गई आप? थोड़ा सा डिस्काउंट और दे देती तो अपना टारगेट पूरा हो जाता। डिस्काउंट कितना डिस्काउंट दे दूं यार, ऑलरेडी इतना कम कर चुकी हूँ और कितना कम करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे पूरा होगा मेरा टारगेट और कैसे चलेगा मेरा घर। डोंट वरी, टारगेट पूरा हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ करते हैं ना। क्या करेंगे हा? क्या करेंगे, दिन भर ऐसे घूमते रहे ना तब भी कुछ नहीं होने वाला, और ऊपर से आपके फ्रेंड है, जरा सी भी हेल्प नहीं करना चाहते। नहीं नहीं कैसे नहीं करेगा वो हेल्प, और नहीं करेगा तो मैं डायरेक्ट पूजा से बात करूंगा ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। एक मोहब्बत नहीं आ रही दरमिया, आसमां वाले की अब यही है रजा, दिल यही चाहता, तू मुझे है मिला, तुझसे रहो दूरियां।
कहीं एक एक पैक मतलब एक एक कप चाय पी लें? कहीं क्यों, कल पीते हैं ना। पूजा जी के हाथ की चाय, आप उनसे बात भी कर लीजिएगा साड़ी के लिए और चाय भी पी लेंगे। आप उन्हें साड़ी दिलवा देंगे ना प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। मैं तेरे प्यार में ही जी लूं, है तुझको प्यार ये तू कह दे, मैं तुझ पे जान लुटा जाऊं, एक नजर प्यार की तू दे दे सोनिए। अबे तुझे पता है ना वो जासूस है, हाँ? और मेरे पीछे लगी हुई है? नहीं नहीं भाई, मेरे जासूसी साइड का काम होगा, कह तो रही थी कि साड़ियों का मेन बिजनेस है उसका। तू यार कंफ्यूज मत हो यार। अबे यार अपनी ठरक के चक्कर में मेरा बेड़ा गर्क मत करवा। नहीं नहीं यार, इस बार ठरक नहीं है, इश्क है यार, फर्स्ट साइड वाला सच्चा लव। तेरा यह सच्चा लव ना, हर दो महीने बाद कच्चा लव निकलता है। नहीं नहीं यार, इस बार पक्का है यार, देख। हाँ तो तू चाहता क्या, क्या चाहता है? साले तेरा बाप बन के शगुन लेके मैं रोजी के घर जाऊं? नहीं नहीं यार, वो मेरा बाप कर लेगा यार, तू सिर्फ एक बार पूजा को यहां बुला ले यार। ए! पूजा को इस मैटर में मत घसीटा। साले सेल्फ रिस्पेक्ट पे मरती है वो मेरे, अगर उसको पता चला ना कि मैंने झूठ की है, लंबी रेल चला रखी है, तो बस गई सेल्फ रिस्पेक्ट गड्ढे में। अबे यार क्यों अपना घर बसाने के चक्कर में मेरा घर उजाड़ने में लगा हुआ है? अबे गगन, ये ले तेरी बनियान। बसा यार तू अपना घर, बसा 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 बसा, बना तू अपनी लव लाइफ को किंग साइज बना। अपना क्या है, अपन जैसा चल रहा है चलने देंगे, उसमें क्या है? तू तू मजे कर भाई, तू रह पूजा के साथ, अपन ठीक है। हाथ ठरक ठरक बोलता। गगन 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 गगन, ऐसे दिल पे मत ले यार। हाँ तुझे क्या लगता है, मुझे दिखाई नहीं देता है क्या चल रहा है तेरे दिल में रोजी को लेकर? हाँ बहुत रिस्की है, महंगा पड़ जाएगा भाई, मैं बता देता हूँ। चाय बनाने के लिए 2000 रुपए में नहीं मान रही थी। पूजा बनने के मामले में कपड़े उतरवा लेगी यार, किसी और को ट्राई करते हैं ना, समझा तू? किसको किसको ट्राई करें बता तू? हाँ बता। अबे कॉलेज से लेके आज तक बचने दिए तूने कोई? शालिनी, नम्रता, जिगना और वो अपने लास्ट मकान मालिक की बेटी रितु, साले सबके पीछे अपनी ठरक को बंदूक की तरह लेकर तो फिरता रहा तू। यार बार बार ठरक ठरक मत बोल यार, तू पागल तो नहीं है यार? तू तू अपनी कुंडली दिखा यार किसी को यार, बस खुद से हैंडल कर ले अपनी रोजी को। वो तो पवन भाई यहां से चली गए। किसको लगा रहा है? हाँ जी बोलिए। जुगनू सडनली शिफ्ट क्यों कर गई? जिससे कि एक अच्छा पड़ोसी कस्टमर बनके घर नहीं पहुंचा। पैसे कितने मिलेंगे? जितना आप एक नाइट के लिए चार्ज करती हैं उससे थोड़ा बढ़ा कर दे देंगे। मैं डे नाइट के हिसाब से नहीं, घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज करती हूँ, समझा ना? भाई तुझे रोजी चाहिए कि नहीं? हेलो, हु इज दिस? मेरा फोन है। हेलो बेबी। ये किसने फोन उठाया था, कहाँ हो तुम? वो ड्रेस डिजाइनर के पास हूँ। ड्रेस डिजाइनर? या वो शादी की ड्रेस के लिए ना नाप देने आया था। डिजाइनर का फोन भी सेम है तो उसने धोखे से उठा लिया था। अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हो? घर। क्यों? नहीं बस ऐसे ही। ओके बाय। बहुत प्यार करता हूँ पूजा से, अगर आप प्लीज। एक शर्त है मेरी। क्या? मैं एक दिन के लिए तुम्हारी वाइफ बनकर चल रही हूँ, वहाँ कोई दर्द और हाथ नहीं डालेगा। किधर? भाई भाई तू प्लीज चुप हो जा। आई प्रॉमिस। देखिए आपके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और वो मोटा? वो तो कभी कभी आता है, वो भी फोन करके। हाँ लेकिन तुम लोग उधर मुझे ऑलरेडी उसकी वाइफ बना चुके हो ना। पप्पू भाई मैं सच बोल रहा था,
बापू ने टिकट इधर ही रखा था। मदर मेरी प्रॉमिस। अब सारे चुप। मदर मेरी को बीच में मतलब बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से उनकी। लवली। अबे तू क्या कर रहा है? अरे यार फिर नया ड्रामा। टोनी फिर मरेगा तू? नहीं नहीं बाबू भाई, नया ड्रामा नहीं बोल रहा हूँ, अपन सच बोल रहा है बाबू भाई। इधर अपन सिस्टर के पैसों में लोचा करके गेम खेल रहा था। टिकट अपन ने पैंट में ही रखी ली थी, उसने जरूर पैसों के चक्कर में तलाशी लासी ली होगी। बाबू भाई कहाँ है वो? कहाँ है वो? जी आज मैं आपकी तलाशी लेने आया था। ओके okay. दीदी को शक है कि आपका ना किसी चक्कर चल रहा है। मैंने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही है। मैंने कहा दीदी जिया जी ऐसा नहीं है, वो बहुत शरीफ है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए, मैं दीदी के शक को कैसे भी दूर करने की कोशिश करूंगा जिया जी। लगा फोन। लवली आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? मैं देख रहा हूं कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जितने कमीने होते हैं उतने दिखते भी हैं। चश्मा। बिल जा रही है भाई, बिल जा रही है। कर दिया। बाबू भाई जरूर टिकट उसी के पास है, कन्फर्म 100% कन्फर्म बाबू भाई। पकड़। नहीं लेकिन तू सिर्फ कमीना नहीं कुत्ता है धोबी का, न घर का न घाट का। भाई जाग चला जाएगा, जल्दी अंदर कर लो। हाँ सही कह रहे जी आजी, मैं धोबी का कुत्ता हूँ, न घर का हूँ न घाट का हूँ। बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ? नहीं तू ही बता तेरे साथ क्या करूँ। जो एक जीजा को अपने साले के साथ करना चाहिए तो तुम मेरे लिए काम करो, समझा? भाई ढल्ला का फोन आया था, पिंटू भाई से रानी का एड्रेस निकाल के देने को बोल रहा था। तो क्या दे दिया निकाल के? ढल्ला का फोन काट निकाल। चलो गांधी बिली कंफर्म। ऐसे नहीं मानेगा, झूठ बोल रहा साले, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा। बता कहाँ है टिकट? चले बहुत खा लिया हराम। साइकिल घर में घुस के मारो, इनको कैसे पता? मिस्टर मिसेस पवन भल्ला, फ्लैट नंबर 703 सत्यम टावर। करते क्या तेरी सिस्टर है? ये सब करने की क्या जरूरत है? असली घरवालियां मेहमानों को खाना खाए बिना नहीं जाने देती। लेकिन वो तो सिर्फ चाय पे आ रही है। हाँ पर खाने के लिए तो पूछना बनता है ना। हम पूछेंगे नहीं। घरवाली कौन है, मैं कि तुम? यार ये जो है ना गले पड़ने वाली है। अब तो मैं खाना खिला के भेजूंगी। आ गई है भाई। ए, ए, गुंगट, गुंगट। कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। खोल के देख। सिलेंडर खत्म हो गया, जरा दूध भर लेता हूँ। अरे सुनिए, अरे अरे चिंतन जी बात सुनिए। अरे भाभी जी नमस्कार। नमस्ते भाई। अरे ये थोड़ा दूध उबालना है जी। क्यों नहीं? चिंतन जी परमिशन मांग रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं? भल्ला साहब मैं किसी और के घर में कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ? तो परमिशन तो गेट पे ही मांगनी चाहिए थी ना। सॉरी अगली बार से ध्यान रखूंगा। अगली बार से ध्यान रखूंगा मतलब आप नेक्स्ट टाइम से सिलेंडर टाइम पे बुक करेंगे? ये बात भी सही है। क्या सही है? क्या करवा दूंगा? करवा दूंगा मतलब कि अगली बार से सिलेंडर टाइम से बुक करवा दूंगा। भाभी जी काफी खाना बन रहा है। भाभी जी आज किसका जन्मदिन है? मेरा। ओहो हैप्पी बर्थडे। खन्ना साहब आ रहे? नहीं। क्यों? मैयत में गए। कौन चला गया? उनकी वाइफ। वेरी सैड, वेरी सैड। चिंतन जी दूध उबल गया। हो गया जी? हो गया भाई साहब। बड़ी जल्दी हो गया, कमाल हो गया। संभाल के जल मत जाइएगा। खीर बनाएंगे? अरे चलिए चलिए निकले, निकले। बहुत जल्दी उबल गया दूध, हाई फ्लेम पे था। चलिए हाई हाई है चिंतन जी। लवली। लवली भाई अरे तू फिर आ गया? इस सोसाइटी में फ्लैट ले लिया क्या? ये मेरे साथ है। वेरी सैड खन्ना साहब, वेरी सैड, वेरी सैड। हाँ बट यू डोंट वरी, होने को कौन टाल सकता है खन्ना साहब, कौन टाल सकता है? खन्ना साहब सब ठीक हो जाएगा। खन्ना साहब आप अपने माइंड पर प्रेशर बिल्कुल मत दो। उसके माइंड पर ज्यादा जोर आगे लगता है। अरे भाई हो
चलो अफसोस हो गया हो तो अपने फ्लैट में चलें। नहीं नहीं भाई, हम अपने ही फ्लैट में हैं। है? हाँ चलिए 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 खन्ना साहब, वेरी सेट, अंदर मत जाना, कुछ लेके निकल जाना। क्या? अबे तू कहाँ है बे? हेलो, आप यहाँ इस वक्त? क्यों, अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। तो फिर ये मालिकों जैसे सवाल क्यों पूछ रहा है? अरे नहीं भाई, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, आप तो नाराज हो रहे हैं। घर आपका है, मालिक तो आप ही हैं। पेपर बनने से फ्लैट मेरा थोड़ी हो गया, आप बोलो तो बैग उठा के अभी अपने किराए के फ्लैट में लौट जाऊं। और एक बात बताओ, ये चिंतन को अंदर क्यों घुसने दिया? मना किया था ना। अरे लवली भाई, ये चिंतन ने घंटी बजाने के बाद पता नहीं किधर चला जाता है, दिखता ही नहीं है फिर। हाँ भाई, अब देखो जबरदस्ती दूध उबालने आ गया आज। और ये सब ठीक हो जाएगा, वेरी सैड वेरी सैड। ये क्या बोल रहा था, क्या राग पट्टी पिलाई तुमने? वो पूछ रहा था कि लवली भाई किधर है। हाँ। तो इसने बोल दिया कि अपने साले की मैयत पे गए। मान ही नहीं रहा था लवली भाई। चल भाई, चलो चलो चलो, निकलो बाहर, जाओ निकलो निकलो, चलो रुको रुको रुको। ये वही है जिसकी मैयत में तुमने मुझे भेजा है, मेरा साला। हाँ भाई, कहाँ है वो? कौन? अरे वही जिसको साड़ी पहनाई थी। साड़ी पहनाई है तो उतारनी भी पड़ेगी भाई। भाई हमें क्या पता वो कहाँ है? तो एड्रेस क्यों लिया था? वो तो भाई के लिए लिया था। अच्छा, मेरे लिए? हाँ हाँ भाई, वो तो हम आपके पैसे वापस लेने गए थे। हाँ हाँ, तो हमने बोला पैसे वापस दो या साड़ी। फिर क्या, दोनों ही नहीं दी उसने? अबे तो उसकी ले लेनी थी ना। अरे ऐसे कैसे ले लेते भाई, आपका हम पर पहले से कितना उधार है, और फिर बाद में पैसे तो हमें ही देने पड़ते ना आपको। वाह, समझदार होते यार हो। अंदर कौन है? अब कोई नहीं, कोई नहीं भाई, पता नहीं, बैठिए ना आप आराम से भाई। भाई बोलेंगे आपसे, भाई कोई नहीं अंदर भाई। लवली, मर गए बेटा। कौन है ये? भाई ये पूजा है, वो आज रोजी आने वाली है ना। आज रोजी आज फिर क्यों आने वाली है? भाई वो पूजा को साड़ी बेचने के लिए आने वाली है। अबे वो सारी की सारी साड़ियां इसी घर में बेचने पे क्यों तुली हुई है? शहर की पाकी लड़कियों ने साड़ी पहनना बंद कर दिया क्या? भाई वो मंथ एंड चल रहा है ना, तो टारगेट कंप्लीट करना है ना उसको। अबे वो जासूस है। नहीं नहीं, उसको मंथ एंड और टारगेट से क्या लेना देना? जासूस है। अबे तू, अबे गधों, कहीं शक तो नहीं हो गया उसको? भाई इतने गधे थोड़ी है कि इतना भी नहीं समझेंगे, आप भी कमाल कर रहे हो। अरे नहीं नहीं यार, भाई सही कह रहे हैं, रोजी को शायद शक हो गया, इसीलिए वो बार बार पूजा से मिलने की जिद कर रही है। हाँ अरे यार, मैंने तेरे को मना किया था ना यार, मैंने बोला था कि वो जासूस है, तू सुनता नहीं है यार किसी की। और ये घूंघट क्यों डाल रखा है? और भी ज्यादा शक होगा उसको, हटाओ उसको, हटाओ घूंघट। नहीं 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 भाई, उल्टा भारतीय नारी का ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा भाई। अरे यार, फिर कर दी ना वही वाली बात। क्या? अरे ना चाहे कोई आज भारतीय नारी घूंघट में फुल, सबको चाहिए बीवी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया है। और रोजी क्या इसकी होने वाली सास है जो उसके ऊपर इंप्रेशन जमा रही है? हटाओ घूंघट। नहीं नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगी भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। क्या हो गया? क्या? मैं पानी पीने जा रहा हूं। ये पानी। जी जी, वो घूंघट चुप रहना है। हटो, आगे आगे। अरे रोसी रोसी आ गई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। चल चल हटो हटो, एक मिनट खड़ा हो यहाँ, मुझे बैठ, एक मिनट, तू कब से बैठे ना? अरे बड़ी देर। अरे साले भाई, आप उधर बैठिए, वो लड़की यहाँ आके बैठेगी। हो गया हो गया। हाय हाय, वेलकम होम लवलीन, कम कम कम। हैप्पी बर्थडे ब्रदर, एक्सक्यूज मी, हैप्पी बर्थडे ब्रदर। हाँ हैप्पी बर्थडे।
सॉरी खन्ना साहब, वेरी सॉरी फॉर भाभी जी, मे गॉड गिव हर रेस्ट इन पीस। लीजिए। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू हर? ढल्ला और भल्ला साहब से खबर मिलते ही बहुत धक्का लगा खन्ना साहब, लेकिन आप अपने को अकेला मत समझना, पूरी सोसाइटी आपके साथ। वैसे क्या हुआ? वो हार्ट अटैक। ओह वेरी सैड, वेरी सैड। पर वो तो अच्छी भली थी ना, फिर अचानक। दिल का दौरा पड़ता है तो सब कुछ अचानक हो जाता है। लेकिन आपको कौन सा दौरा पड़ा है चिंतन साहब? हमें कौन सा दौरा पड़ेगा खन्ना साहब? नहीं, दौरा ही पड़ा होगा तभी पैसे खर्च करके ये बुके लाए हैं आप। अरे ये तो सोसाइटी के अकाउंट से लेके आया हूँ खन्ना साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अरे रे रे, तू अंदर तक आ गया? ओफो खन्ना साहब, आप साथ लेके आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर तक क्यों ले आए आप इसको? अरे कुछ देवे के भगाइए इस भिखारी को यहाँ से। हाँ ये तो उस भिखारी की तरह लग रहा है। शक्ल से लगता है नहीं? हाँ। ये लवली भाई का साला है। अच्छा। ओ ये तो कंफ्यूजन हो गया। अच्छा केक ऑर्डर किया? नहीं। तो भला साहब, हाँ? आज आपके बर्थडे पर सोसाइटी की तरफ से केक, वेट एंड वॉच। हाँ। अरे यार एक्सक्यूज मी, ये पागल है साला। पवन। हाँ यार, भाभी के हाथ के गर्मा गर्म चाय हो जाए। हाँ क्यों नहीं। अरे खड़े क्यों, बैठ जाओ जुगनू भाई, चाय वाय पियो। हाँ अजी सुनती हो? जी आई। जी बोलिए। अरे भाई घर में मेहमान आए, सबको चाय वाय नहीं पिलाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन खाना भी रेडी है तो पहले खाना लगाऊं? ओके ओके। हाँ तो भाई पहले खाएं या चाय? अब चाय 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 सब चाय बोल रहे हैं ना। चाय ओके ओके डार्लिंग, पहले चाय। हाँ लेकिन मैं खाना खाए बिना किसी को ना जाने दूंगी। ठीक है बाबा, पहले चाय तो पिलाओ। भाभी जी। जी बहन जी, आपने घूंघट क्यों उड़ा हुआ है? हटाइए ना, गर्मी नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? वो आज शुक्र और शनि ग्रह एक ही लाइन में पड़ रहे हैं। सुबह पंडित जी टीवी पे बता रहे थे कि इनकी राशि के लोगों को दिन भर घूंघट में रहना चाहिए। क्यों गगन? हाँ 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 करेक्ट करेक्ट, नहीं तो पति और पत्नी में से किसी एक की मौत हो सकती है। अब क्या राशि है आपकी पूजा जी? तुला। अरे तुला तो भाभी के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ हाँ। उन्होंने भी पक्का घूंघट नहीं उड़ा होगा, इसलिए वो आज हमारे बीच में नहीं है। मेरी वाइफ मीन है, मछली। पन्ना पन्ना कुंभ पंडन। मैं जेमिनी हूँ, एंड यू? लियो। ओके ओके ओके, मेरे अलावा यहाँ सब सेफ है। हाँ ठीक है, पूजा तुम अंदर जाओ और सबके लिए चाय बनाओ। पूजा जी। जी बहन जी। चाय बाद में, पहले साड़ी तो लेने दीजिए। हाँ। यस साड़ी भी ले लेते हैं, हम तुम्हारे लिए साड़ी ले लेते हैं, तुम अंदर जाके चाय बनाओ। हा? नहीं साड़ी तो मैं अपनी पसंद से ही लूंगी। हाँ। अरे तुम्हें मेरी पसंद पे भरोसा नहीं है? अरे यार लेने दो ना भाभी को साड़ी, औरतें अपने कपड़े खुद पसंद करती हैं। हाँ। नहीं तुम चाय बनाओगी, अंदर जाओ और चाय बनाओ। ओके जाओ। सुनिए। हाँ जरा अंदर आइए। आया। जा बेटा अंदर जा। एक्सक्यूज मी, हस्बैंड वाइफ मैटर, इसमें भी चाय की तरह उबाला। आई एम सॉरी। चिल्लाना मत मेरे ऊपर, समझे? मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। आई एम रियली सॉरी, सॉरी प्लीज सॉरी। अच्छा चलो अभी सबको अच्छी सी चाय पिला दो प्लीज। पहले तुम अच्छी तरह बात करना सीखो। अरे तुम तो पूरी तरह से बीवी के रोल में डूब गई। मैं नहीं डूबूंगी तो तुम डूब जाओगे। थैंक्स। मेंशन नॉट। अच्छा चलो अब मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, तुम मेरे लिए जाके साड़ी छांटो। हाँ? क्या अब क्या हुआ? जाओ। कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं। पूजा। हे हे पूजा, वेलकम वेलकम वेलकम, कम कम कम। गगन देख कौन आया। अपनी पूजा। पूजा हो तुम आ गई। अब लवली जी का पूरा हो जाएगा। लेकिन गगन
ये पूजा है लवलीन जी, पूजा। हाँ, हमारे बचपन की फ्रेंड है, पुरानी दोस्त है। पूजा इनसे मिलो, ये है लवली भाई। ओनली लवली, लवली करना। हाय। ये है जुगनू, लवली भाई के पिए। और ये है लवली भाई के साले, आई मोती। और ये है लवलीन जी। हाय। साड़ियाँ बेचती हैं, डोर टू डोर, चीप एंड बेस्ट। लेकिन यहाँ कौन है साड़ी खरीदने वाला? कौन है, कौन है? भाभी जी। बस 5 मिनट और। भाभी जी अंदर चाय बना रही हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए भी एक साड़ी ले लूँ। हाँ बिल्कुल, आपको भी एक साड़ी खरीदनी पड़ेगी। थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। एक तो ले लीजिए, आपकी शादी के दिन काम आएगी। मैंने उस दिन के लिए खरीद ली है। कब है आपकी शादी? नेक्स्ट वीक। कंग्रेचुलेशंस, अब तो आपको एक साड़ी लेनी ही पड़ेगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अरे ट्राई करके देखिए, अच्छी लगेगी आप पे। विल यू प्लीज शट अप मिस्टर लवली। लवली, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। तुम अंदर आओगे जरा? हाँ आता हूँ। लवली भाई सॉरी सॉरी सॉरी, लवली भाई, लवली भाई सॉरी सॉरी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ भाई। I'm sorry भाई। तारीफ ही कर रहा था उसकी, इसमें भड़कने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई, भाई वो आपकी इमोशन को समझ नहीं पाए भाई। अबे तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है भाई, आप काम डाउन, बिल्कुल काम डाउन हो जाओ भाई। मैं समझाता हूँ उसको जाके भाई। ए, सुन। हाँ? समझाने समझाने से कुछ नहीं होगा, उसको बोल सॉरी बोलना पड़ेगा। हाँ? समझा? नहीं तो नहीं भाई, नहीं नहीं, नहीं। मैं बोलता हूँ ना भाई, आप काम डाउन हो जाओ। हाँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं बोलता हूँ। प्लीज शट अप। पूजा वो कपड़े उतारो भाई, गुस्से को लेमन सोडा की तरह पी जाइए भाई। वो तो ऐसे ही मुंह से निकल जाता है ना कभी कभी, तो निकल गया होगा। बहुत इनोसेंट है भाई। अब देखो। अबे बाइस्कोप देख रहा है क्या? दरवाजा खोल। पड़ा देख रहा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सब छोड़, पहले बता टिकट तेरे पास है? नहीं तो झूठ मत बोल। टोनी तू घर जा, मैं घर आके तुझसे बात करती हूँ। बाद में बात करेगा, टिकट दे चल। अरे नहीं है, समझ में नहीं आता तुझे? अरे फिर झूठ बोल रहे हो तू। भाई साहब एक्सक्यूज मी, जब वो कह रही है कि टिकट नहीं है तो नहीं होगा ना उनके पास। आप जाके दूसरी टिकट ले लीजिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी आपकी। ट्रेन का टिकट नहीं है भाई। हाँ तो फ्लाइट मिस हो जाएगी भाई साहब, जाइए। अरे फटे में पैर मत डाल, लॉटरी का टिकट है। क्या आप लॉटरी भी भेजती हैं? टिकट दे, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। अच्छा एक काम करते हैं भाई, चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं किसकी टिकट है। बोतल दे पानी की जरा। टिकट दे चल चल साइड। अरे नहीं है, बोला कितनी बार बताऊं यार। बात मेरे से, टिकट दे, घर जा यहाँ से। जब से मम्मी डैडी गए परेशान करके रखा है तूने मुझे। मम्मी डैडी के पीछे मत। हे गाइस क्या करूं मैं, कैसे लग रहे हैं हम? अरे वाह वाह भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हीरो लग रही है। वाह कमाल है, झकास नंबर 1। मुझे तो पता था पटाखा आ गया। ब्यूटीफुल मतलब पवन, ये लोग कौन है? हाँ हाँ कौन कौन हो तुम लोग? बाबू खान। उमेश शुक्ला। टोनी डिकोस्टा। व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ ये हो क्या रहा है? पवन जी ये लोग ना मुझसे मिलने आए हैं। अच्छा? टोनी तू चाय पी के इन लोगों को लेके जा यहाँ से। टिकट दे मेरे को पहले। नहीं है ना मेरे पास, आया ना। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। आधे घंटे से देख रहा हूँ तुम लोग की नौटंकी। तेरा मजाक बना के रखा है। कौन सा ऊपर वाला? सेकंड वाला। अरे जब तक मेरा टिकट नहीं मिल जाता ना, कोई हिल के दिखा देगा ना। टिकट दो सिस्टर, नहीं तो सबका ऊपर का टिकट कटवा दूंगा मैं आज, समझी? ए चुप कर, बस ली तेरी बकवास। चल लेके निकल इन दोनों को, चल चल चल। ए चुप, निकाल इनको बाहर। तेरी ना आप बड़े बदमाश हैं यार। थोड़ा देख। देखिए डाकू नीचे। देखिए मिस्टर लवली भाई, देखिए मिस्टर लवली भाई, लवली भाई, देखिए मिस्टर लवली भाई साहब जी, इस साले ने पिछले 7 महीने से लॉटरी खेल खेल के उधारी चढ़ा रखी है हमारे यहाँ। तूने लॉटरी खेलना शुरू कर दिया? नहीं ये साला नहीं है। अरे यही साला है। नहीं ये साला नहीं है। अरे लगता है ये भिखारी, लेकिन यही मेरा साला है। अरे मैं इस साले की बात नहीं कर रहा हूँ लवली जी भाई साहब, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस साले की। इसने पिछले 7 महीने से लॉटरी खेल खेल के उधारी चढ़ा रखी है, और आज आज जब इसकी लॉटरी लग गई है तो ये बोलता है कि टिकट सिस्टर के पास है। अब देखो हम गरीब दुकानदार लोग हैं,
ठीक है, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है कुछ भी। इस सिस्टर को आप ही बोल दो कि टिकट हमें दे दे। अरे भाई इनकी टिकट दे दो ना आप, क्या प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर लवली जी प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप जरा चुप ही रहिए, समझे? लवली टोनी, तू इन लोगों को लेके जा यहाँ से, मैं अपने सीक्रेट काम से यहाँ आई। मैडम बहुत दिनों के बाद नंबर लगा इसका और 3 लाख प्राइज मनी है। 3 लाख आप टिकट दे दो हमको, बहुत लोगों के पैसे देने हैं इसको। मेरे पैसे कौन देगा? तेरे कौन से पैसे? वो जो तू कबट और मेरे पर्स से चुराता है। अरे मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, उल्टे मेरे बनते हैं तुझपे। कौन से तेरे पैसे? अच्छा मेरा नाम यूज करके जो सीक्रेट कामों से कमाई करती है उसमें मेरा हिस्सा भी तो बनता है। खेल मेरे नाम का कमाई तेरी है? तू ना बकवास मत कर, समझा? बकवास मत कर और चुपचाप चला जा यहाँ से। टिकट दे दे, चला जाऊंगा। अरे नहीं है, कितनी बार समझाऊं तुझे? तो बहुए जा पकड़ना बहुए। अरे क्या कर रहे हो आप? लेकिन अगर मामला बिना पुलिस के सुलझ जाता है तो फिर पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है बेबी? बिना पुलिस के ये नहीं मानने वाले बेबी। अरे लेकिन ये किसी का पर्सनल मैटर है, हम बीच में क्यों पड़े बेबी? आप भाई बहन की लड़ाई है, ब्रदर एंड सिस्टर। क्या ये क्या है? है क्या ये? क्या किसकी भाभी है ये? सालो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो हैं? मिसेस लवली खन्ना आप तो। ओए कोई मिसेस लवली खन्ना वन्ना नहीं है, ये रानी है, ये रानी। इसे कौन लाया यहाँ? वो ये तेरा भल्ला। तो ये है तुम्हारी आर्किटेक्ट, तुम्हारी ड्रेस डिजाइनर, इसी के साथ मजे लूटने थे तुम्हें शादी से पहले? नहीं पूजा, देखो पूजा। पूजा 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 चलो भाई चलो, बहुत हो गई नौटंकी तुम्हारी, चल निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो। मिस्टर पवन ये तो आपका घर है ना? क्या बोल रही है? लवली साहब बोलो ना इसको टिकट के लिए प्लीज। इसको टिकट की पड़ी है। अरे टिकट तो दे आप रोजी, मैं तुमको बता। मैडम टिकट तो आपको देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उठा जी बब्बू भाई, चलो चलो उठा, निकलो यहाँ से। चल बब्बू भाई अपना कार्ड के बारे में। चलो 328 रुपए बनते मेरे। क्या हो गया भाई? क्या तुम लोगों के लिए अलग से अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी लाउड स्पीकर पे? हेलो 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 1 2 3 टेस्टिंग, निकलो निकलो। ओ चलो, तू कहाँ जा रही है? तेरे पे तो एडवांस है मेरा, उसको क्या देख रही है? उसे जाने दो लवली भाई। ओ अच्छा। ए भाई भाई समझा अपने यार को। देख भाई गगन, लवली भाई वो यहाँ एक दिन के लिए मेरी वाइफ बन के आई है और मैंने उसके साथ प्रॉमिस किया है कि उसके साथ यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा। ओके प्लीज जाने दीजिए उसे। जाने दो मोती, कह रहा जाने दो। चल चल सबसे पहले तू निकल, चल भाग। अरे हटो चलो, तुम यहाँ अब क्या हो रहा है यहाँ? ये तुम्हारी वाइफ है? तुम्हारी है? मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, कौन है ये? बोलो, बोलते क्यों नहीं? मेरी फ्रेंड है, वेरी क्लोज फ्रेंड। अरे तो पहले क्यों नहीं बोले? अरे रो क्यों रही है? वो एक्चुअली किसी बात पे आज इसका अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा अपसेट है। वही तो जानू मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि कपल्स में तो झगड़े होते रहते हैं,
हमारे नहीं होते रहते थे? होते रहते थे नहीं, झगड़ा तो अब होगा। चलो चलो सब लोग यहाँ से बाहर चलो चलो चलो। पहले ये बताओ तुमने ये झूठ क्यों बोला कि तुमने ये फ्लैट बेच दिया है? उसको मत देखो, वो तुम्हारा साला बाद में पहले मेरा भाई है। ठीक है चलो, तो अब सुनो क्या सच्चाई है। पापा बहुत फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, प्लीज पापा की कंपनी ज्वाइन कर लो। इस शहर में खुद का एक छोटा सा घर बनाकर दिखा दो मुझे पूजा तुम्हारी। भाई आप अपना कांदीवली वाला फ्लैट है ना, वो इसके नाम पे कर दो। आई एम रेडी। जानू मेरा भी दिल है, जानू प्यार क्या होता है मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ, और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जानू, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब बताओ दो प्यार करने वालों को मिलवाने में क्या बुराई है? ऐसे क्या देख रही हो जानू, मैं सच कह रहा हूँ। दीदी मैं जब यहाँ आया तो यहाँ आकर मुझे सच का पता चला, मैं कसम से घर पाने के लिए ना झूठ बोलकर आप दोनों का घर बर्बाद नहीं करूंगा। जैसू कह रहे हो ना वो सच कह रहे हैं, कसम से आपकी कसम। खन्ना साहब, खन्ना साहब, आज भल्ला साहब का हैप्पी बर्थडे केक हम सब लोग मिलके करेंगे, मजा आएगा। कहाँ हैं सब लोग? लेट हो गए आप तो, गए वो लोग गए। आप नीलम भाभी लवली भाई की वाइफ? अबे लेकिन वो तो आज हमने जो पल जिए नाम तेरे जी, नजर प्यार की तू दे दे सोनी 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 सोनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलोगे कुछ या मेरा मुंह देखते रहोगे? वो मैं आई लव यू बोलने आया हूँ। प्लीज गेट लॉस्ट, मेरी शादी होने वाली है, आई एम एंगेज्ड। देख लो यार, थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट हो सके तो। या हेलो मिस्टर डलवानी। मिस्टर बदलानी, टोनी डिकोस्टा की रिपोर्ट आ गई है। क्या? पवन भल्ला इज द रियल ओनर ऑफ दैट फ्लैट, अब आप प्लीज हमारी बैलेंस पेमेंट क्लियर करवा दीजिए। हेलो। लेकिन ये जो तूने मेरा घर टूटने से बचाया ना भल्ला, ये बड़ी बात है, उसकी जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। मेरा भाई तू शादी कर, फ्लैट में रह, लेकिन डील वही रहेगी कि शादी के 10 दिन बाद तुझे फ्लैट खाली करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर अपना होटल। हाँ वो भी। अरे यार तू अपने इस देवदास पाने से बाहर आ यार, देख भगवान के दिए मौके पर अगर तू चौका नहीं मारेगा ना तो जिंदगी में सबसे बड़ी भूल करेगा तू। अबे रोजी तक ने तेरे फेवर में रिपोर्ट लगा दी है यार, जैसा जैसा प्लान किया था वैसा वैसा हो रहा है यार, तू अब सामने से काम मत बिगाड़। अच्छा हेलो हेलो बेटा, बदलानी हियर। जी बेटा, आई एम सॉरी बेटा। बेटा प्लीज कम to my house tomorrow at 7. जी यस सर। बेटा सर नहीं, पापा कहो। जी रानी को कौन लाया था? मैं लाया था। अरे मैं सच कह रहा हूं, मैं ही लाया था, और अगर वो साला यानी कि मेरा साला वहां नहीं होता तो मैं तुम दोनों में कंफ्यूजन होने नहीं देता, क्या समझी? I'm sorry. I'm really very sorry, baby.
इट्स ओके बेबी, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी, प्लीज डोंट फील गिल्टी. आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी. लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ एक रेस की तरह है और आज मैंने अपनी बेटी के लिए एक ऐसे लड़के को ढूंढा है जो कि उसका जिंदगी की हर रेस में साथ देगा. फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर पवन भल्ला, माय सन इन लॉ. अरे क्या कर रही हो? लग जाएगी पूजा, पूजा लग जाएगी पूजा, पूजा और पकड़ लिया. ओ मेबी लग जाएगी, शादी कर लेते हैं. तुमने और तुम्हारे पापा ने जिद पकड़ रखी थी, घर के चक्कर में तुम्हें थोड़ा ही छोड़ सकता था बेबी. आई लव यू. अच्छा तो इसमें मेरी और पापा की गलती है. तू यार एक काम कर, तू भी शेयर मार्केट से बाहर आ जा, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी. अबे यार नौकरी वोकरी से काम नहीं चलेगा, अब तो अपना बिजनेस डालना पड़ेगा. कोई आइडिया बता यार. अरे यार अपनी कुंडली दिखा ले तू. अरे यार ये कुंडली की बात मत किया कर, तू आइडिया पूछ रहा हूँ, दिमाग चला यार अपना. यार गगन एक आइडिया तो दिमाग में आया है. क्या बात कर रहा है बता. एक काम करता हूँ, मैं तेरे ढाबे में आ जाता हूँ. तू करना क्या चाहता है? भाई ढाबे के पेपर बना के उस पे लोन उठाएंगे और अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे. हाँ भैया अभी फिजूल की आइडिया मत बता तू, तू अपने पास रख, ये घर ले जा तू. और तू अबे तो खामा खा डर रहा यार, जैसे ही लोन पास होगा अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे, मजे से जिंदगी चलेगी. तू यार बना, तू मजे से जिंदगी, तू कमाल कर रहा है यार, बात भी नहीं सुन रहा. मैं खुश हूं. अरे यार हां भैया तू, ओए गगन जा तू, अबे बात तो सुन. अबे अबे तू सुन यार मेरी बात, अबे देख ढाबे के पेपर बनाएंगे. अबे चढ़ी वड़ी नहीं है, सुन मेरी बात. साले तेरे आइडिया पे हमने काम किया, तू हमारे आइडिया पे काम नहीं करेगा. मेरा आइडिया नहीं चले तो क्या तू मेरा ढाबा बिकवा देगा? तू बन कबीर जावाज बड़ा मैदान जंग में आया, ले हाथ हाथ तलवार बावर करतब सौंप दिखलाया. नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं. ज्यादा एक्टिंग हुई. सॉरी राकेश, सॉरी. सारी खुदाई करे कदमों में आई है सांस का पहाड़ बड़ा. सपने हवाई करे रबड़ी मलाई के पिछवाड़े जूता बड़ा. पागल के बहन जी तो है नहीं और लाइन में देखी सर.